ठीक है जी। हाँ राइट सो तो इसमें क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। हेलो, तो ये तो आई होप ये हो गया होगा। दिस दिस इज अ प्रिटी इजी क्वेश्चन। एम आई ऑडिबल? एवरी वन प्लीज रेज योर हैंड्स। आई होप आई एम यस ऑडिबल, सर। है ना? ऑडिबल तो है, चलो ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप पीपल हैव रिटन द लेक्चर। कितने लोग हैं जिन्होंने क्वेश्चन दोबारा करे थे? यू नो आई जस्ट लोअर लोअर ऑल हैंड्स एंड नाउ यू शुड रेज अगेन। सो आई होप यू हैव रिटन द लेक्चर। हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन द लेक्चर? जस्ट रेज योर हैंड्स। हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन द लेक्चर? रिटन द लेक्चर मीन्स क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन सारे के सारे तो दो दो तीन तीन बार करें, दो बार करें, चलो ऐसे मान लो। क्या चलो अभी एक बार कर लो, आज की क्लास के दो बार करने हैं ऐसे मान लो। एक बार एटलीस्ट सारे क्वेश्चन लिख कर करें। जस्ट रेज योर हैंड्स। राइट सो आई मीन यहाँ मुझे दिख नहीं रहा। देखो अभी ये अभी स्टिल देयर इज अराउंड 60% लोग हैं मेरे ख्याल से जिन्होंने जो अभी हाथ जिन्होंने बटन दबाया है। हाथ क्या खड़े करें, वर्चुअल हाथ खड़े करें, है ना? तो मतलब तुम देख लो बेसिकली ना। तो अब व्हाई हैव यू नॉट, जो 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 अराउंड 30-35-40% लोग हैं, व्हाई हैव दे नॉट रिटन? यू पुट ऑन योर हैंड्स। एवरीवन शुड पुट ऑन योर हैंड्स। तो अपने आप से पूछो, मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब मुझे रत्ती पर फर्क नहीं पड़ेगा। ये सपोज टू डू, कितने क्वेश्चन थे? 8 क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से, 8 या 9। ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, एक तो हमने करा भी नहीं। 8-9 क्वेश्चन थे बेसिकली, उसको लिख लिख के करना था। राइट सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू क्वेश्चन एंड यू डू इट इन द राइटिंग मोड, नॉट नॉट इन द रीडिंग मोड। कोई फायदा नहीं है। राइट सो जेई इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, एज वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। जेई इज अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। काने कुबड़े है ना, हर इंसान को जिसमें कोई भी कमी है उन सबको बाहर निकालना है, खत्म। दैट्स हाउ इट इज। कि तुझे आप में ये कमी है, खत्म। आपको चश्मा लगा हुआ है जी, खत्म। यू कांट बी नियर फोर्स। राइट सो सो इट्स इट्स अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। राइट तो मतलब व्हाई आर यू गिविंग योर सेल्फ अ चांस ऑफ नॉट बीइंग सिलेक्टेड और बीइंग एलिमिनेटेड व्हेन इट इज जस्ट अबाउट 8 क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चंस, एंड यू हैव टू जस्ट राइट देम। दैट वाज द जॉब आई गेव यू। मैं ना तो ये बोला कि एनसीईआरटी करनी है, ना बोला एनसीईआरटी एग्जाम्पल करनी है, सबकी इच्छा है अपनी। ये बोला था कि लेक्चर अच्छे से करना है। इट शुड बी 200 out of 200। जितने लोग हैं हम लोग बिल्कुल उतना ही, क्या कहते हैं, हाथ खड़े होने चाहिए थे। तो कर लेते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। देयर इज नथिंग स्पेक्टेकुलर इन दिस। यू हैव बीन गिवन दिस दिस एक्सप्रेशन एन ए बी सी डी आर रूट्स। जब भी रूट्स दिए हों और जब भी ये एक्सप्रेशन दिया उसके रूट्स हैं, तो ये ट्राई एंड कन्वर्ट इन टू आइडेंटिटी की। दैट इम्प्लाइज एक्स टू द पावर 4 प्लस प्लस P1 x to the power 3 प्लस P2 x square प्लस P3 x प्लस P4 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज एक्स माइनस ए। राइट एंड इट इज इक्वल टू व्हाट? कैसे लिखते हैं इसको हम? कोफिशियंट ऑफ x square x to the power हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, या ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू 1 into x minus a into x minus b into x minus c into x minus d। दैट्स हाउ इट इज। और ये वन क्या लगाया है? वन ये वाला वन है। इट इज कोफिशियंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। राइट तो विच इज इन दिस केस ये वाला कोफिशियंट दिस वन, बिकॉज बिकॉज अगर यहाँ पे 4 होता तो मुझे यहाँ पे 4 लगाना जरूरी था। राइट सो दैट एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स करिए, एक्स टू पावर 4 बन जाता है इंटू 4। राइट क्लियर ना है बात सबको, है ना जी? अब कुछ भी नहीं करना, सेम कहानी है कि एक बार पुट करो आयोटा या नॉन, ये माइनस आयोटा या प्लस प्लस वन या माइनस वन, जो मर्जी करके पुट करना है बेसिकली। लेट्स ट्राई पुट पुट एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे ना अगेन व्हेन यू विल सॉल्व क्वेश्चन समझ आएगा। एक्स इक्वल टू आयोटा पुट करके शायद काम हो जाएगा। एक्स इक्वल टू आयोटा पुट करा अगर हमने, तो क्या आएगा? वी हैव आयोटा टू द पावर 4 व्हिच इज 1, है ना, माइनस आयोटा 1
So I don't know why my rubber is not working. So this is 1 minus P1 iota, right? Minus P2, no, plus P3 iota plus P4. That will be equal to what? Iota minus A into iota minus B into iota minus C into iota minus D. Right. That's how it is. Right. So this is one thing. And then you can even combine them. What do we get? Iota terms combine kar lo, what do we get? We get 1 minus P2 plus P4, you know, plus iota into P3 minus kya chahiye inko? P3 minus P1. Kuch expression dikh gaya hai? 1 minus P2 plus P4 or P3 minus P1. You know, yahan par bhi main iota ko likh raha hu minus A plus iota minus B plus iota minus C. Isko isi form mein likh lo. 1 plus C square chahiye na inko. To isko isi form mein likh lo. Let's write it as iota minus A, iota minus B, iota minus C, iota minus D. That's how it is. Right. Second kaam kya karein? Ji put x equal to minus iota. Ya waise yahin se kaam ho gaya. Dono ka modulus le lo. So can we say that modulus of this is equal to modulus of this? Bas mein aa rahi hai ki modulus of this will be equal to modulus of this. You feeling aa rahi hai? And if modulus of both sides lena hai, to iska modulus to straightforward aa gaya. Iska modulus kya hoga? Modulus ka square le lo, in fact. Modulus ka square le lo. Right? To modulus kya hoga iska? 1 plus P2, sorry. 1 minus P2 plus P4 ka square. है ना प्लस P3 माइनस P1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट होता है ना ये क्लियर है या तुम्हें स्क्वायर नहीं लेना तो सिर्फ मॉड की बात कर लो अंडर रूट होता है ये हो गया और इसका मॉडुलस क्या होगा आई कैन राइट दिस एज मॉड ऑफ आयोटा माइनस a इनटू मॉड ऑफ आयोटा माइनस b इनटू मॉड ऑफ आयोटा माइनस c इनटू मॉड ऑफ आयोटा माइनस d राइट ये क्लियर है ये प्रॉपर्टी क्या यूज करी मैंने दोबारा से आई होप इट इज क्लियर मॉड ऑफ z1 z2 z3 zn इज इक्वल टू व्हाट मॉड z1 मॉड z2 एंड सो ऑन दैट्स द प्रॉपर्टी व्हिच वी यूज्ड खत्म है ना जी तो ये राइट साइड का मॉड क्या हो गया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ माइनस b स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो ये क्या होगा अंडर रूट ऑफ माइनस c square plus 1 square into under root of minus d square plus 1 square and then we can square both sides squaring both sides right so kya ho gaya we get the answer we get 1 minus p2 plus p4 ka square that plus p3 minus p1 ka square that is equal to this is nothing but what 1 plus a square 1 plus b square, 1 plus c square, 1 plus d square. That's how it is. तो मॉड लेके काम हो गया एक आयोटा पुट करके काम हो जाता है बहुत बड़ी क्योंकि वो मॉडलेस फॉर्म दिख रही थी तो मैंने सीधा मॉड ले लिया क्लियर है क्या करें है ना द अदर वे अराउंड यू कुड हैव डन इज एक बार तुमने क्या पुट करा आयोटा फिर नेक्स्ट क्या पुट करते माइनस आयोटा मैं यहीं इंसर्ट कर देता हूं इंसर्ट स्पेस हियर तो मैं पुट करता x = माइनस आयोटा So this is 1 or 2 cap put x equal to minus iota. So if we would put x equal to minus iota, what will we get? Minus iota, ye jaga 1. Ye isme aega minus iota cube. Hai na ji? Iota cube is minus 1. Plus iota ke terms mein jaega. Ye minus iota square is again same as iota square, which is minus p2. Hai na? Plus p4. Ye ho gaya. फिर यहाँ पर माइनस आयोटा पुट कर रहा है तो यही माइनस में होगा और ये माइनस आयोटा क्यूब इज व्हाट माइनस आयोटा तो प्लस आयोटा हो जाएगा सो दिस इज प्लस आयोटा इनटू
P3 या ऐसे लिख लो, इट इज माइनस आयोटा इंटू P3 माइनस P1, ये हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, और माइनस आयोटा पुट करा तो सारे माइनस कॉमन आ जाएंगे, इट इज आयोटा प्लस वन आयोटा प्लस ए, वॉट इज हैपनिंग, आयोटा प्लस बी आयोटा प्लस सी आयोटा प्लस डी, क्लियर है, एक स्टेप खा गया मैं, माइनस सारे कॉमन निकाल दिए मैंने बाहर, राइट, सो देन वी विल मल्टीप्लाई दीज टू, तो एक टर्म ये था, और एक टर्म ये था, सो दिस इज योर टू एंड दिस इज योर वन, ये कहानी चल रही है, राइट, सो यू विल मल्टीप्लाई वन एंड टू, इफ यू विल मल्टीप्लाई वन एंड टू तो क्या होगा, दिस इज x minus iota y, this is yeah a minus iota b, this is a plus iota b, a plus iota b into a minus iota b is what, a square plus b square, khatam, right, so you can multiply 1 and 2, theek hai, kya aa gaya hamare paas, what do we get this square plus this square, so it is 1 plus, yehi aa jayega basically, yehi aa jayega straight forward answer, you'll get this answer, right, so if you multiply this and this you'll get what, a square plus 1 square, b square plus 1 square, c square plus 1 square, ye baat clear hai sabko, clear hai na kahani, shivam has a doubt, yes shivam what's your doubt, bhai aapne first step mein ek baar dobara samjha dijiye, nahi samjhaya, wo ek step kha gaya na, main dobara likh lo, नहीं नहीं भाई ये नहीं, हाँ. इससे एकदम आपने फर्स्ट स्टेप जो लिखा है x टू द पावर 4 आपने इक्वल टू में ये कैसे लिख दिया, ये कैसे लिख दिया, ये कैसे लिख दिया, इसके रूट्स नीचे ना? नीचे नीचे ये सॉल्यूशन, हाँ ये कैसे लिखा, ये सॉल्यूशन के बाद आपने यहाँ पे लिखा है ना x टू द पावर 4 प्लस p1x³ + p2x² इक्वल टू दिस, ये कैसे लिखा, ये कह रहे हो ना, हाँ ये तो तुम्हारे दिमाग में बेटा, दिस अगर हम बोलते दोबारा कर लेते हैं, if x square minus 5x plus 6 equal to 0, हम इसके कहते हैं दो रूट्स हैं, रूट्स आर 2 एंड 3, उसका मतलब क्या होता है कि इसके दो फैक्टर्स बनेंगे, क्या एक 2 और एक 3 बनेगा, मतलब दिस कैन बी फैक्टराइज, यानी x square minus 5x plus 6 कैन बी फैक्टराइज्ड इन व्हाट, कैन राइट इट एज x minus 2 into x minus 3, ये तो मतलब है, अच्छा जो उस तरह से लिखा है आपने, ये तो लिखा है ना, ठीक है इसके रूट्स हैं इस पे, ये इसके फैक्टर्स बन रहे रूट तभी तो आएंगे, ये फैक्टराइज हो पा रहा होगा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी x माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी इक्वल टू जीरो बन पा रहा होगा, तभी तो लिख रहे हैं, तभी तो रूट्स हैं, राइट, यानी ये दिस एक्सप्रेशन कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू दिस फोर फैक्टर्स, हां ये आइडेंटिटी बन गई, नाउ वी हैव मेड दिस इज एन आइडेंटिटी इन एक्स, दिस इज आइडेंटिटी इन एक्स, तो व्हेनेवर यू आर गिवन रूट्स यू शुड थिंक अबाउट एन एंगल वेयर यू हैव टू मेक एन आइडेंटिटी एंड देन यू हैव टू डू ऑपरेशंस व्हिच वी डिड इन बाइनोमियल, identity in x ka matlab kya, this is true for all values of x, any value of x this is true, whether real or complex does not matter, it is true for any value of x, right, ha theek hai ji, chalo aage chalte hain, thank you bhaiya, chalo welcome beta, aage chalte hain, let's do some more questions, right, so let's talk about this question, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे हम, है ना, थोड़ा थोड़ा अलग 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 डिफरेंट टॉपिक्स की रिवीजन होगी इस बारे, राइट, नाउ यू हैव बीन गिवन साइन इनवर्स ऑफ जेड माइनस, राइट, सो यू हैव बीन गिवन साइन इनवर्स ऑफ, सो यू शुड राइट द क्वेश्चन नंबर ऑफ लेक्चर 2 एंड यू शुड लीव स्पेस फॉर द क्वेश्चन नंबर, राइट, ट्राई एंड राइट दिस, ऑप्शन ना भी लिखो तो चलेगा, ट्राई एंड राइट दिस वन लाइन, ऑप्शन ना भी लिखो तो चलेगा, इट इज फाइन बिकॉज़ वी विल बी फिगरिंग आउट की
कौन सा ऑप्शन है, ये चल रहा है यहाँ पर रेड रेड के पीछे दिख रहा हूँ, पॉइंटर नहीं दिख रहा हूँ, पॉइंटर इज नॉट विजिबल, रेड पॉइंटर इज विजिबल, पॉइंटर इज नॉट विजिबल, एनीवेज चलो तो आई विल राइट इट, यहाँ तो पॉइंटर विजिबल है, वाइट पे नहीं है, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ क्या दे रखा है, वन बाय आयोटा, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ऑप्शंस ना लिखो चलेगा, राइट, इफ यू ट्राई डोंट राइट ऑप्शंस इट इज फाइन, बट ट्राई एंड राइट द लैंग्वेज, एंड इफ इवन इफ यू डोंट हैव टाइम टू राइट द लैंग्वेज लीव स्पेस, पर ये लिख नहीं है सारे क्वेश्चन। तो साइन इनवर्स ऑफ वन बाय आयोटा इंटू जेड माइनस वन इज गिवन टू यू, है ना, और ये बता रखा है जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स, जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स, इट इज नॉट रियल, राइट, इट इज नॉट रियल, पक्के से, यानी इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं है, इमेजिनरी पार्ट फॉर श्योर है, राइट, है ना, इट कैन बी एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, इट कैन बी एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, तो अब ये एंगल ऑफ अ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं कि कैन इट बी एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, तो अब ये देखना है साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है, वी हैव टू फिगर आउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन इनवर्स, राइट, सो इफ वी टॉक अबाउट साइन इनवर्स, हम अगर बोलते हैं एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो सोचना इसका मतलब क्या है, एक्स इज द वैल्यू एंड थीटा इज द एंगल, राइट, अब इसको रिवर्स लेके जाते हैं, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, है ना, इनवर्स हम धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ेंगे एग्जांपल्स के थ्रू, तो अब ये क्लियर होना चाहिए कि जो साइन इनवर्स एक्स है ये क्या है, दिस इज एंगल, है ना, थीटा इज द एंगल, और जो अंदर का पार्ट है एक्स वो क्या है, व्हाट इज इट, वैल्यू, इट इज द वैल्यू, वैल्यू, ये बात समझ आ रही है, दिस वैल्यू ऑफ एक्स कैन लाई बिटवीन व्हाट, वन टू माइनस वन टू वन, क्लियर, साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, माइनस वन टू वन लाई करती है ना, ये क्लियर है, और थीटा की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, यू कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ थीटा, राइट, फिर से प्रिंसिपल रेंज की बात करते हैं, साइन की वैल्यू की बात करते हैं, प्रिंसिपल रेंज क्या है, कॉस की प्रिंसिपल रेंज क्या है, यूनिक वैल्यूज की बात करते हैं, तो साइन का कर्व अगर हमने बनाया हो तो जीरो टू पाई ले लेते हैं, जीरो टू टू पाई, याद है ऐसा कुछ हमने करा था, हां भैया, दिस इज, दिस एंगल इज एक्स एंड दिस इज साइन एक्स, या दिस इज थीटा एंड दिस इज साइन थीटा व्हिच इज एक्स, राइट, तो वरना एंगल तो इनफिनिट आ सकते हैं इसके अंदर, पर ये वैल्यू माइनस वन से वन के वन के वन के बीच में लाई करेगी, ऐसी यानी यानी जो अंदर वैल्यू कितने किसके बीच में लाई करेगी, माइनस वन से वन के बीच में लाई करेगी, राइट, और ये थीटा की वैल्यूज क्या हो सकती है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इज इट क्लियर, ये क्लैरिटी है सबको, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, है ना जी, अब आगे देख लेते हैं इसको, लेट्स टॉक अबाउट दिस, नाउ इट सेज कि दिस हैज टू बी एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, नाउ इफ इट हैज टू बी एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, पहली बात ये जो अंदर की वैल्यू है ये कहां से कहां के बीच में लाई करनी चाहिए, ये वाली वैल्यू जो है, ये जो अंदर की जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये कहां से कहां लाई करनी चाहिए, माइनस वन से वन, दिस दिस कैन बी, दिस हैज टू लाई बिटवीन माइनस वन टू वन, ये बात समझ आ रही है, हाँ भैया, ये पूरी वैल्यू है ना, दिस इंप्लाइज दैट इनसाइड वैल्यू, इनसाइड एक्सप्रेशन हैज टू बी रियल, That implies inside expression has to be real. ये बात समझ आ रही है? ये feeling आ रही है कि inside expression वाले minus one से one line करनी चाहिए, तो inside expression has to be real. तो कर लिया हमने, तो शुरू हो गए जी, हमने कहा जी z minus one by iota should be equal to k, where k belongs to what? Real. ये feeling आ रही है? ये बात समझ आ रही है? क्या लिखा है हमने इसको? है ना, तो ये क्या हो गया, नहीं, जेड की वैल्यू क्या हो गई, इट इज इक्वल टू वन प्लस आयोटा की आ गई, जेड की वैल्यू आ गई वन प्लस आयोटा की, जेड हैज टू बी ऑफ द फॉर्म वन प्लस आयोटा की, राइट, व्हिच इंप्लाइज रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू व्हाट, वन, ये बात समझ आ रही है, ये बात समझ आ रही है, राइट, तो रियल पार्ट ऑफ के हैज टू, रियल पार्ट ऑफ जेड हैज टू बी इक्वल टू वन, तो यहां पर समझ आ रहा है, मैं ये ऑप्शन, ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, real part of z has to be equal to 1, ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, बात समझ आ रही है, अब इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा z का क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए, इस टाइप का एक्सप्रेशन होना चाहिए, फर्दर अब हम कह रहे हैं ये अंदर की वैल्यू माइनस वन से वन लाई कर सकती है इन जनरल, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू माइनस वन से वन लाई करती है, पर अब ये जो एंगल है, दिस कंप्लीट इज व्हाट, ये क्लियर है, ये पूरा क्या है, व्हाट डज साइन इनवर्स एक्स रिप्रेजेंट,
What does sine x inverse angle? Angle theta. Angle. So sine inverse angle. X is an angle. You बात समझा रही है? बात समझा रही है? And if this is an angle of a triangle, if this is angle of a triangle, that implies this angle must lie between जो भी अंदर का part है, this angle must be greater than zero and less than pi. अभी यार. अगर ये एंगल ऑफ अ ट्राइंगल है तो ये एंगल ऑफ अ ट्राइंगल है ना, तो ये एंगल ऑफ अ ट्राइंगल है, अगर ये ट्राइंगल का एंगल है तो ये तभी तो लाइव होगा जब ये जीरो से पाई के बीच में होगा. वो ट्राइंगल का जो एंगल है, ट्राइंगल का एंगल क्या हो सकता है, मिनिमम एंगल क्या हो सकता है, इट कैन नेवर बी जीरो ना. ये एंगल है थीटा और ये ऑब्ट्यूज करते जाओगे तो इट कैन नेवर बी पाई. बस में आ रही है कि अगर इफ 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 थीटा इक्वल टू सम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये चल रहा है ना, इफ थीटा इक्वल टू इज एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, इज एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, राइट, दैट इंप्लाइज थीटा विल बी ग्रेटर देन जीरो, इट कैन नॉट इवन बी जीरो, इट हैज टू लेस देन व्हाट, पाई. क्लियर है ना, तो अब अगर थीटा जीरो से पाई के बीच में लाई कर रहा है ना, तो साइन थीटा की वैल्यू कहां से लाई करेगी बताओ. तो थीटा अगर जीरो से पाई के बीच में लाई कर रहा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी, क्योंकि जीरो कभी नहीं होगा, पाई कभी नहीं होगा, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इट कैन बी 1, तो थीटा कैन बी पाई बाय 2. लॉजिक क्लियर है, ये बात समझ आ रही है, इज इट क्लियर. तो अभी क्या दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ जेड माइनस वन बाय आयोटा दे रखा है, और बोल रखा है दिस हैज टू बी एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ये तो है तुम्हारा एक्स, या तुम ले लो इसको एच ले लो, कुछ भी ले लो, पी ले लो, कुछ भी ले लो, पी ले लो, क्यू ले लो, कुछ भी ले लो, ये बात समझ आ रही है, या जेड ले लो, जेड मत लो, जेड से कंफ्यूजन हो जाएगी, कुछ भी ले लो, एच ले लो, ये बात समझ आ रही है, ये क्लियर है क्या बोला जा रहा है, यानी जो साइन थीटा की वैल्यू है वो कहां से कहां लाई करनी चाहिए, जीरो से वन, ये बात समझ आ रही है, यू शुड अनम्यूट योरसेल्फ, साइन थीटा शुड लाई बिटवीन जीरो टू वन, ये बात समझ आ रही है, यस सर, इज इट क्लियर, एंड दिस होल एक्सप्रेशन हैज कम आउट टू बी इक्वल टू व्हाट के, बिकॉज इट हैज टू बी प्योरली रियल, ये है ना, z is equal to 1 plus iota k लिख लिया था हमने, हमने कहा था अंदर का पार्ट किसके बराबर होना चाहिए, k के, because this has to be real, ये क्लियर है बात सबको, yes sir, क्लियर है बात सबको, तो k की वैल्यू कहां लाई करनी चाहिए, 0 से 1, what was k, it was imaginary part of z, एक बार रिपीट करते हैं, अभी हमने समझा था, दोबारा से सोचते हैं कैसे क्या करा है हमने, है ना, what have we done, we said that we have theta is equal to sine inverse of z minus 1 by iota, which implies we said that sine theta is equal to z minus 1 by iota, you know, फिर हमने कहा that implies now sine theta belongs to r, that implies z minus 1 by iota also needs to belong to r, तो हमने क्या कहा, that implies sin z minus 1 by iota kya maan liya, that is equal to k kar diya, let where k belongs to r, to wahan se kya aa gaya ki z is equal to what, 1 plus iota k, iska matlab kya ho gaya ki real part of z kya hoga 1, hai na, aur wo feeling se bhi aa sakta hai, tum k mat let karo, yahan soch lo ki tumhe isko real banana hai, रियल बनाने हैं तो नीचे अगर आयोटा है तो ऊपर पूरा पूरा आयोटा वाला पार्ट होना चाहिए, ऊपर पूरा पूरा आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर पूरा पूरा आयोटा वाला पार्ट तभी होगा जब ये 1 कैंसिल आउट हो रहा होगा, तो z के रियल पार्ट में क्या होना चाहिए 1, ताकि 1 1 कैंसिल आउट हो जाए और पूरा पूरा कौन सा पार्ट आ जाए, आयोटा वाला पार्ट, ताकि आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाए, सो दैट ओवरऑल वैल्यू बिकम्स रियल, फीलिंग आ रही है, सम पीपल माइट हैव डन इट बाय एक्सपेक्शन यू नो इंस्पेक्शन आल्सो, ये फीलिंग आ रही है कि z का रियल पार्ट रियल वन होना चाहिए, ये क्लियर है बात,
such that overall value becomes real. Somebody is in doubt. Yeah, क्या किसको doubt है? Please raise your hand. Somebody has doubt. Yes, Prabhav, बोलो. ये भैया जो अभी आपने बोला ये बता दो बस एक मिनट पहले. मैं कह रहा हूँ कि ये overall real करने के लिए नीचे अगर प्योरली इमेजिनरी है तो ऊपर ही प्योरली इमेजिनरी चाहिए होगा ना, तभी तो आयोटा आयोटा कैंसिल होंगे. और प्योरली इमेजिनरी करने के लिए ऊपर वाले पार्ट को ये वन कैंसिल आउट करना पड़ेगा. वन कैसे कैंसिल आउट करोगे जब इसके रियल पार्ट वन होगा? तो वो बाय इंस्पेक्शन भी आ रहा है कि इसका रियल पार्ट वन होना चाहिए. अच्छा, तभी ये ओवरऑल इमेजिनरी बनेगा, तभी ये आयोटा आयोटा कैंसिल आउट होंगे और ये ओवरऑल रियल बनेगा. राइट, वो हमने मैथ से करके दिखा दिया कि इसका रियल पार्ट वन होना चाहिए. एक और चीज पूछनी थी. ठीक है, फिर आगे चलते हैं. अब ये वाली वैल्यू हम कह रहे हैं रियल है ओवरऑल, तो ये ओवरऑल वैल्यू अब किसके बराबर आ गई? के बराबर ले लिया हमने. ये वाली वैल्यू ओवरऑल के बराबर ले ली ना, व्हिच इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ व्हाट? z. k इज टर्निंग आउट टू बी इमेजिनरी. ये जो पूरी वैल्यू है ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है ना. क्यों? क्योंकि 1 कैंसिल आउट हो गया रियल पार्ट वाला और iota iota कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये क्या है? इट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. ये बात समझ आ रही है? नहीं तो मैथ से आ रहा है कि व्हाट इज k? k इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. ये बात समझ आ रही है? राइट, तो अब हम कह रहे हैं ये वाली वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी. हमने कहा जो ये वाली वैल्यू जो आपने के ली है ये कहां से कहां लाई करेगी? वेट अ मिनट, देयर इज सम प्रॉब्लम, रॉबर्ट इज नॉट शोइंग अप इंस्टेंटली. सो दिस वैल्यू इज के, तो ये वाली वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी? हम कहेंगे साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी? जी थीटा की वैल्यू लाई कर रही है कहां से कहां? जीरो टू पाई, बिकॉज बिकॉज एंगल ऑफ अ ट्राइंगल है, बिकॉज ट्राइंगल. राइट, व्हाट डज दिस इंप्लाई? कि साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी? जीरो से बड़ी होगी पर वन से कम होगी, और वन के बराबर हो सकती है क्योंकि थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 हो सकती है. एंगल इन अ ट्रायंगल कैन बी पाई बाय 2, व्हिच इंप्लाइज दिस के वैल्यू लाइज बिटवीन व्हाट? 0 टू 1, व्हिच इंप्लाइज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज लाइंग बिटवीन 0 टू 1, वेयर 0 इज नॉट इंक्लूडेड. यू कांट हैव अ वैल्यू व्हिच इज 0 बट 1 इज अलाउड. समझ आया हमने क्या करा? राइट, ये भी ना अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो और बेटर तरीका, और कोई तरीका जी, कि जी साइन इनवर्स क्या था? z माइनस वन बाय आयोटा है ना, तो z को क्या ले लिया? लेट z बी इक्वल टू x प्लस आयोटा y. कुछ ना समझ आए तो रामबाण क्या पेलना है जी? z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, और फिर चालू कर दो, है ना. दिस इज इक्वल टू थीटा कर दिया हमने लेट, और हमें पता है कि थीटा लाइज बिटवीन व्हाट? 0 टू पाई. व्हाई? बिकॉज थीटा इज इन अ triangle. Triangle. Theta is an angle of a triangle. That's how it is. Right. तो अब ये हमने कह दिया sine inverse x plus iota y minus one. There's some problem. तो इट इज x प्लस आयोटा y माइनस वन बाय आयोटा, दैट इज इक्वल टू थीटा. राइट, विच इंप्लाइज x प्लस आयोटा y माइनस वन बाय वन आयोटा इज इक्वल टू साइन थीटा. वही सेम काम कर रहे हैं बस जेट आकर, है ना. एंड साइन थीटा इज प्योरली रियल, बिलोंग्स टू r. ये कहानी चल रही है, साइन थीटा बिलोंग्स टू r. ये बात समझ आ रही है? विच इंप्लाइज This implies x plus iota y minus 1 by iota is equal to k कर दिया, where k belongs to r. That's how it is. ऐसे सोच लो, है ना? तो अब यहाँ पे ये आ गया, ये purely real कर दिया. This implies x plus iota y minus 1 is equal to k iota. This implies x minus 1 plus iota y is equal to k iota or iota k. Comparing real and imaginary parts, है ना? Comparing real and imaginary, तो क्या होगा? This implies x minus 1 is equal to 0, right? x minus 1 is equal to 0 and y is equal to k. ये तो आ रहा है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1, और y की वैल्यू क्या आ गई? k.
और के कहां से कहां लाई करता है ना, दिस इज साइन थीटा बिलोंग्स टू आर, ये कहां चल रही है, एंड इनफैक्ट साइन थीटा बिलोंग्स टू, साइन थीटा बिलोंग्स टू व्हाट, जीरो टू वन, विच इंप्लाइज के बिलोंग्स टू जीरो टू वन, ये पहले से पता है. दैट इंप्लाइज वाई बिलोंग्स टू व्हाट, जीरो टू वन. ये समझ आ रही है बात, क्लियर है बात, क्या कर रहे हैं, इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ भैया. राइट, इज इट क्लियर? कंफ्यूजन तो नहीं है? यू शुड कीप योरसेल्फ अनम्यूट, प्लीज कीप योरसेल्फ अनम्यूट इफ देयर इज नो बैकग्राउंड नॉइज, है ना, प्लीज कीप योरसेल्फ अनम्यूट, क्योंकि बार बार बटन दबा के जो है ना, मतलब वो इंस्टेंट रिस्पॉन्स इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. राइट, सो वी शुड ट्राई एंड मेक इट एज लाइव एज पॉसिबल. Right, so in case there is no background noise, keep yourself on mute. Unmute yourself. Right, can I move forward? Aage chale? Yes, sir. Right, yes, sir. Let's talk about another question. Right, let's talk about this question. Ye kar lete hain, chalo. I tried and selected some questions for you. And I was just figuring out some questions. Let's see. Now, if x is equal to omega minus omega square, then it is here. And it must be told that omega is cube root infinity. Omega is cube root of unity. It is given. Right. So it has been told that omega is cube root of infinity. Sir, this question ka part hai. Ye question omega ka part is cube root of unity. It is given. It is given. है ना, वरना वरना सेंस नहीं बनेगा क्वेश्चन का. तो क्वेश्चन लिखना है तुम्हें, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी. राइट, ये दे रखा है. बट इन फैक्ट आई एम फाइंडिंग दैट वाइट सरफेस इज अ काइंड ऑफ बेटर इन टर्म्स ऑफ राइटिंग. इफ आई हैव अ ब्लैक पेन आई थिंक, तो ये दिखेगा अभी पॉइंटर ना. इफ आई गो टू ड्रॉ एंड आई गो टू कलर, इफ आई विल चूज वाइट तो दिखेगा शायद ना, कुछ वो उसकी कहानी है, बैकग्राउंड की कहानी है. ये वही रख लो फिर. You know, white seems to be feeling आ रही है मुझे कि white might be better दिखने में. चलो कोई नहीं, लिखने में दिखने में better लग रहा है ना, ज़्यादा starkly दिख रहा है. चलो देखेंगे, we'll try to have another class in white background, we'll see if it is really hurting the eyes. क्योंकि मैं कुछ research पढ़ रहा था, तो actually white और black का फर्क पड़ता नहीं, वो दिमाग का हुआ है. Right, it does not matter to eyes. It actually is just kind of, you know, placebo बोलते हैं ना कि हाँ जी black surface तो नहीं दिख रहा है, इंसान आँख पे कम जरूर पड़ रहा है. So I just read a research paper based on that. So anyways, let's continue with this. Right, so what is omega? So we're talking about the solution. Koi dikkat nahi, so red color dikh raha hai, dono bhi work karta hai. I'll try to use red and green. It works on both. Right, so solution kya hai ji? Ye ji, omega ki value kya de rakhi hai? E to the power iota 2 pi by 3. Which was, this value came out to be minus 1 plus iota root 3 by 2. Ye value thi. Is it clear? है ना, और ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर था? ओमेगा स्क्वायर वाज ओमेगा कॉन्जुगेट, दैट वैल्यू वाज माइनस वन माइनस आयोटा रूट थ्री बाय टू. ये क्लियर है बात सबको? हाँ जी भैया. सो इफ वी टॉक अबाउट एक्स, द एक्स वैल्यू इज ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस टू. सो दिस वैल्यू इज माइनस वन प्लस आयोटा रूट थ्री बाय टू, माइनस ऑफ माइनस वन माइनस आयोटा रूट थ्री बाय टू, राइट, माइनस टू. राइट, तो स्टैंडर्ड से क्वेश्चन है, यू जस्ट हैव टू, यू नो, स्टार्ट राइटिंग. And try and use your pen, right? Use your pen on a paper, and then that's how you will do it. So देख क्या हो गया जी? ये plus हो गया, ये minus plus cancel हो गया, तो minus half minus plus iota root 3/2 plus half plus iota root 3/2 and minus 2. That's how it is. So this cancels out, right? That's what we get. है ना जी? तो अब ये क्या हो गया? What do we get? अब ये minus half plus half cancel out हो गए, root 3/2 root 3/2, ये क्या बन गया? This has become minus 2 plus iota root 3. Can we say x is equal to this value? X तुम्हें complex number दे रखा है, minus 1 plus iota root 3. Minus iota root 3. हम मतलब minus 2 plus iota root 3. Is it clear? Clear है बात? अब कुछ भी करके, अब x की value तो यहाँ put करो, simple सी कहानी है, देसी तरीका, कुछ भी ना समझ आ रहा, तो जी x की value यहाँ put कर दो, गधों की तरह से. X to the power, ऐसे question हमें करे हुए पहले. Yeah, try and get another expression of x which you can get from here. Try and get rid of iota. How do you get rid of iota? X plus 2 is equal to iota root 3. Square कर देंगे. Yes, square कर देंगे. अपना feeling आ रही, square कर दो. What does this imply? This implies, जी,
we get x plus 2 ka whole square is x square plus 4 plus 4x. It is equal to iota square is minus 1, root 3 ka square is 3. So that is equal to what? Ye, minus 3 ho gaya. That's how it is, right? So what do we get? We get a better expression, which is x square plus 4x plus 7 equal to 0. Bata diya? Ye clear hai? Chahe x equal to 2 plus iota root 3 likho. Ya uski power humne pehle se hi bada di. Hai na? Aur humne humne kaha dono baatein same hai. Ye baat samajh aa rahi hai? Ye dono baatein same hai. Saying x equal to this is same as x square plus 4x plus 7 equal to 0. You can further increase its power. You can take it square again. ये बात समझ आ रही है? Next to power का टर्म आ जाएगा. But x square का टर्म आ गया. I think that is enough. इसको square करेंगे तो वो इतना ज़्यादा मेहनत लगेगी. Let's try and talk about this expression now. Now what is the expression we have? We have an expression fx, which is x to the power 4 plus 3x cube plus 2x square. ये सब दो कॉडी के क्वेश्चन है मैथ्स के. Right. So, but you have to understand the logic and you have to try to remember it. This is all theory going on. Because unless and until you know how to start, right, you will take time. भाई कहाँ क्वेश्चन दो ही जाएगा ना? X equal to क्या? Minus two plus iota root three है. कुछ भी नहीं समझ आएगा तो minus two plus iota root three हम put कर देंगे गधों की तरह से और आंसर निकालेंगे, है ना? But we don't want to be doing that. This seems to be a less you know intelligent way of doing it. Answer तो आ ही जाएगा. But we're trying to remember how to approach such questions. राइट तो अब यहाँ पर हमने पुट कर दिया. अब हम ये काम कहीं ना कहीं कर चुके हैं कि मैंने एक्स स्क्वायर में क्या कर दिया, साथ में लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 क्योंकि मुझे पता है ये वैल्यू क्या है, 0. राइट और साथ में क्या लिख दिया, माइनस 4x क्यूब क्योंकि मैंने 4x क्यूब ऐड किया होगा, 4x क्यूब सबट्रैक्ट करा, माइनस 7x स्क्वायर. राइट है ना? इज इट क्लियर व्हाट यू हैव डन? Right, plus plus 3x cube plus 2x square minus 11x minus 6. Now we know this value is 0. Ye value kya hogi? Minus x cube minus 5x square minus 11x minus 6. Ye baat samajh aa rahi hai? To ye ho gaya 0 minus, ab dobara se same. Yahan se x common le liya. Kya likh diya? X square plus 4x plus 7. Right, minus x cube to as it is hai. माइनस फाइव माइनस फोर एक्स स्क्वायर है, माइनस फोर एक्स स्क्वायर आ चुका है, ये बात समझ आ रही है? तो प्लस फोर एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना? तो ये छोड़ो ना, अब इसी में देख लो, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर का माइनस फोर एक्स स्क्वायर यहाँ यूज कर लिया हमने, तो बचा क्या? माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? बार बार एक्सप्रेशन को लिखे, यहाँ क्या है? माइनस सेवन एक्स, तो माइनस इलेवन एक्स का माइनस सेवन एक्स यहाँ यूज कर चुके हैं, तो यहाँ क्या बचा? माइनस फोर एक्स. इज इट क्लियर? प्लस वॉट? माइनस सिक्स. ये हो गया अगेन. सो दिस इज जीरो माइनस एक्स इन टू जीरो, राइट? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, राइट? और दोबारा क्या लिखना यहाँ पर? प्लस सेवन. ये लिख दिया मैंने. अब माइनस सिक्स से ऑलरेडी माइनस सिक्स तो यहाँ यूज कर चुके हैं, एक माइनस वन और एड करा है, तो यहाँ प्लस वन कर दूंगा तो काम हो जाएगा. लॉजिक क्लियर है? क्या करा है? ये समझ आ रहा है भैया? जीरो माइनस जीरो माइनस जीरो प्लस वन. सो व्हाट इज द आंसर? वन. राइट, दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ अप्रोचिंग दिस क्वेश्चन. अब ये याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो अनलेस एंड अंटिल यू हैव डन सच क्वेश्चन ऑलरेडी, फिर तुम अपना अगर प्योर लॉजिक लगाओगे तो फंस जाओगे. द आइडिया वॉज वॉट? कि एक्स की पार को एक्स को यहां पुट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो ऐसा करते हैं इससे थोड़ी पार रेस करते हैं, इससे पार रेज कर इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, है ना? अब इसको और ऊपर ले जा सकते थे, लेट अस रेज इट्स मोर पार, इसकी पार, पर पता नहीं वो एक्सप्रेशन किस जैसा आता नहीं आता, है ना? लॉजिकली आ ही जाता, इसको स्क्वायर करोगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, है ना? और इसमें बस एक कम हो जाएगा, इसे प्लस वन माइनस वन कर दोगे तो एक कम हो जाएगा. ये बात समझ आ रही है? लॉजिक समझ आ रहा है? इसे क्लियर कि ये वाली वैल्यू एक ज्यादा है, ये ओवरऑल यहाँ पर ये पुट करते जा रहे हो, अगर x की वैल्यू पुट करते जा रहे, एक्सप्रेशन पुट करते जा रहे, तो ओवरऑल वैल्यू क्या बची है? वन. यानी इसको स्क्वायर करके जो एक्सप्रेशन आएगा वो इस वाली एक्सप्रेशन से एक कम होने वाला है, करके देख लेना घर में. इज इट क्लियर? पर वो रिस्क हम नहीं लेना चाह रहे थे कि इसको स्क्वायर करें. हमने कहा छोड़ो छोड़ो ना, एक बार कर दिया काम हो गया, अब लेट अस ट्राई टू पुट एक्सप्रेशन ऑफ x स्क्वायर हियर. x स्क्वायर कॉमन निकाला, ये एक्सप्रेशन पुट करा, फिर बचे हुए में दोबारा x स्क्वायर पुट करा, ये वाला एक्सप्रेशन पुट करा, फिर बचे हुए में दोबारा एक्सप्रेशन पुट करा, आंसर आ गया. दैट्स इट. Is it clear? Sure, you have a doubt? Yes, sure. What's your doubt?
भैया इसमें fx को उससे डिवाइड करके भी तो देख सकते हैं कि रिमाइंडर वन आ जाएगा। हाँ वो रिमाइंडर थ्योरम तो करा है, ये रिमाइंडर थ्योरम तो है। ये वही तो है, वो करके देख लो डिवाइड करके, यू कैन डू द डिवीजन, वन बचेगा रिमाइंडर। ये वही करा एग्जैक्टली हमने, ये वो डिवीजन ही करी है हमने, ट्राई एंड डू द डिवीजन। प्रभाव भैया ये हमने पहले में x स्क्वायर कॉमन इसलिए निकाला क्योंकि पहले मल्टीप्लाई करके x के पावर 4 आ जाए ताकि, हाँ x के पावर 4 आ जाए ना, और अगले में जो पावर चाहिए हमें उसके, हाँ x क्यूब चाहिए था हमें, ये डिवीजन करी हमने एक्चुअली में, ट्राई एंड डू डिवीजन, डिवीजन ऑफ एक्सप्रेशन अगर याद हो तो ट्राई एंड डू डिवीजन आल्सो, ठीक है सेम काम करा हमने कि डिवीजन करते हैं फिर रिमाइंडर निकालते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं फिर रिमाइंडर निकालते हैं, तुमने रिमाइंडर निकाला है बेसिकली। फिर तो ऐसे क्वेश्चंस में सीधे डिवाइड कर दो तो चल जाएगा, हां डिवाइड करके चल जाएगा क्या होगा, राइट। बट व्हाई डू यू वांट टू हैव एन ऑल्टरनेट अप्रोच, मुझे समझ नहीं आ रहा, एक अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच, राइट, वो ऑल्टरनेट अप्रोच अब करके देख लो, मतलब नॉट अ प्रॉब्लम, डिवाइड करके चल जाएगा काम, बट समझो हर क्वेश्चन को 10 तरीके से करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो 10 तरीके से करोगे तो हर क्वेश्चन को याद कैसे रखोगे, this is not a question, this is not a logic based question, it is kind of a idea based question, right? तो एक तरीका अपनाना है और उस तरीके से ही करना है क्वेश्चन को, right? Whatever way you are comfortable, if you are comfortable with division then remember division, right? Right, so we will be solving the you know question paper in a stressful environment, we will not be solving it at our home, we will not have infinite time, है ना, अभी तो हमारे क्वेश्चन टाइम लगा रहे हैं, इतना टाइम थोड़ी होगा, तो वो जितना डेटाबेस दिमाग में बढ़ाओगे उतना ही सर्च ऑपरेशन डिफिकल्ट होगा, उतना ही सर्च ऑपरेशन टाइम लेगा, तो बेस्ट है वी हैव टू बी वेरी वेरी कंसाइज, दैट्स हाउ इट हैज टू बी, राइट। लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन नाउ, राइट, व्हाट डज इट से, अल्फा इज बिटवीन पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2, राइट, दिस गिवन टू यू, सो अल्फा इज, अगर क्वाड्रेंट्स की बात करें, राइट, सो यू शुड राइट द क्वेश्चन एंड देन व्हाटएवर आई एम राइटिंग यू शुड ट्राई एंड राइट, तो अल्फा यहां से लाइक कर रहा है, इट इज ईदर पाई बाय 2 या पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, यानी इस रेंज में लाइक कर रहा है अल्फा, ये बात समझ आ रही है, अल्फा की मिनिमम वैल्यू क्या है, पाई बाय 2 थोड़ी सी बड़ी है और 3 पाई बाय 2 थोड़ी सी कम है, ये बात समझ आ रही है, दिस इज अल्फा, दिस अल्फा इट इज लाइक बिटवीन पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2, then the modulus argument form, exponential form की बात कर रहे हैं, exponential form, हमने इसको exponential form बोला था, we can even call this as modulus argument form, चलो एक नया term आ गया, कहीं लिखा था हमने, argument form, exponential form, right, where did we write, लिखा था ना, सर ऊपर starting में लिखा था, so this form is modulus argument form. You can even call it as argument form or modulus argument form. That's how it is. Right. तो आप क्या बोला है? Modulus argument form of 1 plus cos 2 alpha plus iota sin 2 alpha is. तो you know, you need to express this in modulus argument form. So z is equal to 1 plus cos 2 alpha plus iota sin 2 alpha. इधर रखा है. Right. There is 1 plus cos 2 alpha and plus iota sin 2 alpha. This is given to you. तो ये साइड रखा है, इसको कैसे एक्सप्रेस करना है, इन फॉर्म ऑफ मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट फॉर्म, तो देख लेते हैं, लेट अस ट्राई टू फिगर आउट, 1 प्लस cos 2 अल्फा इज व्हाट, इट इज 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो 2 अल्फा देन अल्फा आ जाएगा, आई यू रिमेंबर दिस फार्मूला, cos 2 अल्फा, राइट, cos 2 अल्फा इज व्हाट, ठीक लिख रहा हूं मैं, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, हां भैया, हां भैया सही है, हां भाई, दिस इज 2 cos स्क्वायर अल्फा, is it clear, hai na, and sin alpha ka likhunga, 2 sin alpha cos alpha, 2 sin alpha cos alpha, ye clear na, confusion to nahi hai, hai na, ye yaad nahi to cos to koi pareshani wali baat nahi, ki jo trigonometry yaad nahi ho, are cos a plus b to shayad yaad hai, cos a plus b yaad nahi, sin a plus b yaad hai, usse cos a plus b nikal jayega, aur ye main bolu sin a plus b yaad nahi to fir to 10th mein jana padega, isse yaad karna padega, right, you can find the values, so it is cos square cos a cos b minus sin a sin b, aisa kuch hota hai, it is cos square alpha minus sin square alpha, and then this is cos square alpha minus 1 minus kya hoga cos square alpha, to ye aa jayega 2 cos square alpha minus 1, right, that's how it is, to yahan pe humne kya kara ji, we take cos alpha common, this is what, to cos alpha plus iota sin alpha, so you don't have to worry if you forget something, not a problem, we can try it, ye kahani chal rahi hai,
है, तो क्या बन गया सेट, इट इज 2 cos अल्फा into e to the power iota alpha आ गया, ये बात समझ आ रही है? तो modulus argument form आ गई, modulus क्या है? Implies mod z is equal to 2 cos alpha, clear है? And e to the power iota theta is equal to what? E to the power iota alpha implies theta which is argument of z that is equal to alpha. खत्म हो गया question? Is it clear? पर ये गलत है, पता नहीं जी क्या हो गया. ओहो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? अरे दिस इज मॉड्यूलस आर्गुमेंट फॉर्म, दिस हैज टू बी मॉड जेड इनटू ई टू द पावर आयोटा थीटा, एंड इफ दिस इज मॉड्यूलस दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज मॉड्यूलस इट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट. इज दिस पॉजिटिव? इज दिस पॉजिटिव? नो सर, सेकंड इज इंपॉर्टेंट. 2 cos alpha is negative if alpha belongs to what? pi by 2 to 3 pi by 2. ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है? गड़बड़ क्या हो रही है? तो ये नेगेटिव है, इट इज नेगेटिव, सो वी हैव टू पुट अ नेगेटिव. इस नेगेटिव को नेगेटिव पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव बनाना पड़ेगा. तो अगर मॉडुलस फॉर्म में रखना है तो दैट इंप्लाइज जेड इज इक्वल टू माइनस 2 कॉस अल्फा इनटू माइनस ई टू द पावर आयोटा अल्फा लिखना पड़ेगा, तब ये पॉजिटिव होगा. एंड देन वी कैन राइट दिस एज माइनस 2 कॉस अल्फा. कॉस अल्फा नेगेटिव होता है थर्ड और क्वाड्रेंट, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, दैट्स इफ यू पुट अ नेगेटिव. एंड देन वी कैन राइट दिस नेगेटिव एज व्हाट, दिस ई टू द पावर आयोटा नेगेटिव 1 क्या होगा, आयोटा पाई. लॉजिक क्लियर है? e to the power iota pi is minus 1 into e to the power iota alpha. So what does this become? Minus 2 cos alpha into e to the power iota pi plus alpha. You can even write this as e to the power minus pi. तुम यहाँ minus pi भी लिख सकते हो. It can be written as minus pi plus alpha also. Not a problem. तो अब आप कह सकते हो. Now you can say this is positive. And this is the exponent form e to the power iota theta. So what is mod z? Minus 2 cos alpha, right? And what is theta? Theta is equal to pi plus alpha. वो तो general लिखा हुआ है, 2k pi add कर दो इसके अंदर. Is it clear? और theta general लिखना है. Theta general, that is what? 2k pi plus pi plus alpha. That's all. Right. तो अब यहाँ पे option देख लेते हैं क्या है. ऑप्शन क्या है सर? ये ऑप्शन होगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं. है कोई ऑप्शन सर? ए ऑप्शन या ये ऑप्शन नहीं ना, उसमें माइनस नहीं है. माइनस नहीं है उसमें, या माइनस लगा दो ये ऑप्शन में. ये कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है इसमें. ये आंसर लिखना है तो माइनस लगा दो साथ में. सो करेक्ट आंसर इज दिस. क्लियर है? बिकॉज़ कॉस अल्फा इज नेगेटिव. प्रभव, यू हैव अ डाउट? यस प्रभव. ये थीटा प्रिंसिपल पाई प्लस अल्फा तो होगा नहीं. क्या पाई प्लस अल्फा? क्यों, किसने कहा अल्फा पॉजिटिव है? अच्छा, अल्फा पाई बाय 2 से बड़ा है ना. हाँ, तो कम माइनस पाई लगा दो ना इसमें. माइनस पाई लिख दो, माइनस लगा दो. हाँ, माइनस लगा दो. ये जनरल प्रिंसिपल आर्गुमेंट लगाना है तो इसको ऐसे लिख दो, माइनस पाई प्लस अल्फा लिख दो. अब ठीक है, बिकॉज़ थीटा अल्फा किसके बीच में लाइक कर रहा है? पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, राइट? नाउ इफ आई राइट पाई बाय 2 माइनस पाई है ना, और माइनस पाई प्लस अल्फा, तो माइनस पाई प्लस 3 पाई बाय 2. देख लो रेंज में लाइक कर रहा है ना. अब ये माइनस पाई प्लस अल्फा इज व्हाट, ये कितना हो गया? माइनस पाई बाय 2, और ये कहां से कहां लाइक कर रहा है? पाई बाय 2 हो गया ना. ये क्लियर है? माइनस पाई को लिख दिया तो यू आर राइट, थीटा पी विल बी 2k पाई माइनस पाई प्लस अल्फा, दैट इज बेटर. इज इट क्लियर? आई कैन राइट दिस एज ई टू द पावर आयोटा पाई, और आई कैन राइट दिस एज ई टू द पावर आयोटा माइनस पाई. ये बात समझ आ रही है? दोनों बातें सेम है. तो ओरिएंटेशन लीड टू नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये बात क्लियर है भैया? हाँ. अगर आपने थीटा जनरल में माइनस पाई प्लस अल्फा लिखा है, जो थीटा पाई माइनस अल्फा हुआ. थीटा, अगर आपने थीटा जनरल पाई माइनस पाई प्लस अल्फा लिखा है, तो प्रिंसिपल थीटा प्रिंसिपल तो पाई माइनस अल्फा हुआ ना. क्यों? अच्छा, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ
हाँ वो प्लस पी प्लस थीटा पी होगा लिखा कल लेक्चर नहीं लिखा, पढ़ा था लिखा था दो बार नहीं, ही। हाँ करा है भैया, थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो गया, सॉरी। हाँ चलो आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड राइट। वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लेट्स ट्राई टू इंक्रीज अपॉन आवर स्पीड राइट। नो लेट्स डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये तीन जनरल क्वेश्चंस करे हमने, लेट्स ट्राई एंड डू दिस क्वेश्चन। राइट राइट, तो स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, नेक्स्ट थ्री टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये बार बार करेंगे हम, है ना। तो क्या कहते हैं, इफ वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टू द पावर एन माइनस वन आर एनथ रूट्स ऑफ इनफिनिटी, सो दे आर नॉट, दैट इज नॉट क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी। अब ये ओमेगा की वैल्यू वो नहीं है जो हम सोचते आए हैं राइट। तो ये क्या है, एनथ रूट्स ऑफ इनफिनिटी बेटर होते हैं, हम लिखा होता है अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा टू द पावर एन माइनस वन, जो जो लास्ट क्लास में कल हमने करा है, देयर एनथ रूट्स ऑफ इनफिनिटी राइट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 9 माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा टू द पावर एन माइनस वन राइट। नाउ अब ये स्टैंडर्ड तरीका है इन चीजों को करने का, इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड मेथड ऑफ डूइंग सच क्वेश्चंस राइट। लेट्स ट्राई एंड सी। सो वी आर सेइंग दैट ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर एनथ रूट्स ऑफ यूनिटी, दैट इंप्लाइज इफ ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर till omega to the power n minus 1 are n roots of n nth roots of unity, ये लिखा हुआ है, that implies, you know, x to the power n equal to 1 या x to the power n minus 1 equal to 0 has above n solutions, ये ना क्लियर है। तभी हमने करे ऐसे क्वेश्चन कि अगर तुम्हें रूट दे रखे हो किसी इक्वेशन के, तो यू नो हाउ टू एक्सप्रेस इट एज एन आइडेंटिटी, दैट इंप्लाइज x टू द पावर n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज x माइनस 1 इनटू x माइनस ओमेगा इनटू x माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x माइनस ओमेगा क्यूब, करते 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 कहां जाएंगे, x माइनस ओमेगा टू पावर n माइनस 1। ये बात समझ आ रही है, can we say it is identity in x, ye feeling aa rahi hai ki this is identity in x, which implies this will be true for all values of x, aur aap expression dekh ke samajh aa jayega kya pehla hai isme, kya lagana hai isme, 9 se replace kar denge, 9 se kisko, x ko, x ko bas khatam, that's it, so put x equal to 9 राइट। तो पुट x इक्वल टू 9 करोगे इसके अंदर तो खत्म होगी बात, तो व्हाट डू वी गेट 9 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 9 माइनस 1 इनटू 9 माइनस ओमेगा। घटिया क्वेश्चन है, लेवल 1 टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये। तो अब ये हमने करा है और इसको याद रख लेंगे और अगले दो तीन क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं इसको। दैट इंप्लाइज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9 माइनस ओमेगा इनटू 9 माइनस ओमेगा स्क्वायर टिल 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 9 माइनस ओमेगा टू द पावर n माइनस 1, दैट इज 9 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 9 माइनस 1, दैट इज 9 टू द पावर n माइनस 1 by 8, खत्म, सिंपल सिंपल लेवल वन क्वेश्चन, तो आंसर ये हो गया सी। क्लियर है क्या कर रहा है, तो वी हैव यूज्ड द कांसेप्ट व्हिच वी यूज्ड इन दिस क्वेश्चन इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी डिड सर, लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो वाला कांसेप्ट यूज कराया हमने दोबारा से, वी हैव यूज्ड दिस कांसेप्ट अगेन इन दिस क्वेश्चन नंबर 4, तो रिपीटेशन हो गई है। भव्य, यस भव्य, व्हाट्स योर डाउट सर, एक बार वो बता दोगे, आपने जो लिखा है एक्स की पावर एन माइनस वन, एक बार वो चीज समझ नहीं आई कि एकदम आप कहाँ कैसे पहुंच गए, कहाँ पर सर, जो आपने फर्स्ट लाइन लिखी है ये एनथ रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है, अच्छा एनथ, ठीक है ठीक है, कि जो जितने भी ये वैल्यूज हैं ओमेगा, ये जितनी भी वैल्यूज हैं इन सारी वैल्यू इन सारे रूट्स का एक जनरल नाम दे दिया हमने, है ना, लेट्स कॉल दीस रूट्स एज एक्स, कि तो एक्स क्या है, इट इज एनथ रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है सर, ये तो बोल रहे हैं ये जो x है ये nth root of unity है, यानी x is equal to 1 upon 1 by n, ये तो बोल रहे हैं, which implies x to the power n is equal to 1, which implies x to the power n minus 1 equal to 0, इसके solutions हैं ये, ठीक है सर, ठीक है, yes sir, right, है ना, let's do another question of similar type, let's do another question, ये कर लेते हैं।
सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस ये ले, ये वाला कॉपी कर देता हूं मैं, दिस इज बेटर फॉर्म, ये लो जी. राइट, सो ट्राई एंड राइट दिस क्वेश्चन, या पहली लाइन लिख लो, बस ये है, ये एक्सप्रेशन लिख लो, चाहे यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू. राइट, तो अब सेम साइज, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. इफ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, ये सारी वैल्यूज जो हैं, दे आर nth रूट्स ऑफ यूनिटी. नाउ हाउ मेनी रूट्स आर गिवन? 1 इज नॉट गिवन, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल n - 1. ये n - 1 रूट्स दे रखे हैं तुम्हें. ये क्लियर है? यू हैव बीन गिवन n - 1 रूट्स. इफ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 टिल अल्फा n - 1 आर nth रूट्स ऑफ यूनिटी. इज इट क्लियर? तो अब ये क्लियर हो कि x टू द पावर n - 1 के जो रूट्स आ रहे थे वो क्या आ रहे थे? x माइनस वन, x माइनस क्या था, इसको ओमेगा बोल दिया था, है ना, या इसको क्या बोल दिया, अल्फा बोल दिया, इसको क्या बोला, ये क्या था, दिस वाज अल्फा स्क्वायर, दिस वाज अल्फा क्यूब, है ना, टेल व्हाट, दिस वाज अल्फा टू द पावर n माइनस वन, ये था ना रूट्स. अब तुम्हें स्क्वायर वाली फॉर्म में नहीं लिखना है ना, तुम्हें वैसे लिखना है, तो तुमने सिंपल सिंपल टर्मिनोलॉजी दे बोल दी, ये इसको क्या बोल दिया अल्फा 1, इसको क्या बोल दिया अल्फा 2, इसको क्या बोल दिया अल्फा 3, है ना, ये क्लियर है? दिस अल्फा लेबल दे दिया छोटा वाला, तो क्लियर है? ये कंफ्यूज मत हो जाना. इट मींस दिस इज, दिस रूट इज एक्चुअली n n माइनस 1 इज पावर ऑफ फर्स्ट अल्फा. और हमें अंदर से पता है कि अल्फा 2 जो है अल्फा 1 का स्क्वायर होगा, क्लियर है? अल्फा 3 जो है वो भी अल्फा 1 का क्यूब होगा, वो अंदर से पता है हमें, बिकॉज़ ये e टू द पावर, ये वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल खून में कहानी है. दिस वैल्यू विल बी e टू द पावर आयोटा 2k पाई बाय n, वेयर k इज 1. तो ये वाली वैल्यू क्या है, इसके रूट कैसे निकालते हमने, x टू द पावर n इज इक्वल टू 1, है ना, व्हिच वाज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा 2k पाई, तो ये आ गया था x इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा 2k पाई बाय n, इसको लिखा था e टू द पावर आयोटा 2k बाय n, सॉरी 2 पाई बाय n डिवाइड टू द पावर k. ये बात समझ आ रही है? तो पहले k क्या था, 0, तो ये वैल्यू आ गई 1, x equal to 1 आया, फिर k 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, ये बढ़ते जा रहे थे ना वैल्यू. आई होप ये क्लियर है कहानियां. हां भैया, ये टर्मिनोलॉजी से लिखने वाली, ये मत होना यहां 1 2 3 नीचे कैसे आ गया, अरे वो लेबल दे दिया, वो पता है कि अल्फा 2 एक्चुअली अल्फा 1 का स्क्वायर है, अल्फा 3 एक्चुअली अल्फा 1 का क्यूब है, अल्फा n - 1 जो लेबल है वो एक्चुअली अल्फा 1 का रेज टू द पावर n - 1 है. इज इट क्लियर? हां, इस बार पावर में नहीं लिखा, इस बार नॉर्मल लेबल दे दिया, तो क्या परेशानी है, ये दोबारा से, तो इट डज नॉट मैटर. राइट, नाउ अब समझ आ रहा है x को क्या पुट करना है? ये क्लियर है? अगेन दिस इज आइडेंटिटी, व्हाट यू हैव टू पुट, 1 1 1, सो पुट x इक्वल टू 1, तो ये आइडेंटिटी है ना, तो पुट x इक्वल टू 1 ये उतार रखा है. राइट, तो ये ठीक से नहीं लिखा, ये एक्सप्रेशन ठीक नहीं है, ऑप्शंस ठीक से नहीं दे रखे हैं. राइट, सो दिस वैल्यू इज क्या कहते हैं, अब x इक्वल टू 1 पुट करोगे, नहीं ठीक दे रखा है, 1 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस 1, अच्छा गड़बड़ हो गई है ना, अब ये देखो अभी गड़बड़ हो गई है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, समझ रहे हो, ये बात समझ आ रही है? इंटू व्हाट, 1 माइनस अल्फा 1, 1 माइनस अल्फा 2, 1 माइनस अल्फा 3, टिल व्हाट, 1 माइनस अल्फा n माइनस 1. तो अब दोनों साइड बराबर क्यों है, क्यों दोनों साइड बराबर, दोनों तरफ 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो तुम्हारे पास इसकी वैल्यू निकली नहीं, लॉजिक समझ आ रहा है ना, तो अब यहाँ पे यानी इससे आगे कुछ और करना पड़ेगा, यहाँ पे काम बनानी हमारा, पिछली बार काम बन गया था, पिछली बार 9 पुट करा था तो काम बन गया था, अब इस बार ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया 1 पुट करने पर. राइट, तो इसको करने के लिए फिर हम इसको इसके थोड़े और आगे जाते हैं, लेट्स मूव फर्दर, हम कह रहे हैं जी लेट्स राइट x टू द पावर x माइनस 1, x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, टिल x माइनस अल्फा n माइनस 1 लेबल, इट इज x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1. क्लियर है? क्लियर है कैसे लिखा है?
है ना। अच्छा देखो, अब इसको जैसे ही मैं रिवर्स फॉर्म में लिखूंगा, कुछ छात्र लोगों के दिमाग में समझ आ जाएगा क्या पहले वाले में जीपी हो जाएगी, सम ऑफ जीपी, राइट। सो इज इट, सो इफ इट इज सम ऑफ जीपी, वी नो व्हाट इज एक्सपेंशन ऑफ दिस, व्हाट इज एक्सपेंशन ऑफ दिस, इट इज 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर, और कितने टर्म्स, n टर्म्स, n टर्म्स, x टू द पावर n माइनस 1। तो ये वाली एक्सपेंशन इसके बराबर हो गई, समझ आई बात, इज इट क्लियर व्हाट यू हैव डन, इज इट क्लियर टू एवरीवन, ये समझ आ रही है कहानी, हमने क्या करा है? यस सर, राइट राइट। तो अब हमें क्या पुट करना है, तो वी हैव गॉट एन आइडेंटिटी इन x, तो वी हैव गॉट x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, टिल 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 x माइनस अल्फा n माइनस 1, दैट वाज इक्वल टू दिस x टू द पावर n माइनस 1, छोड़ इसको हटा दो, इट इज इक्वल टू 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर प्लस 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 x टू द पावर n माइनस 1, ये आ गया। कब आया? इफ अल्फा आईज, है ना, वेयर आई बिलोंग्स टू व्हाट, 1 टू n माइनस 1, राइट, आर क्यूब रूट, क्यूब रूट कह रहा हूं, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ये बात समझ आ रही है, ये बात समझ आ रही है, और ये आइडेंटिटी बन गई ना, अब तब यहां पे क्या पुट करोगे, वन, पुट एक्स इक्वल टू व्हाट, वन, दैट इंप्लाइज वन माइनस अल्फा वन, वन माइनस अल्फा टू, टिल 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 वन माइनस अल्फा एन माइनस वन, दिस वैल्यू इज इक्वल टू वन प्लस वन प्लस वन प्लस 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 वन, ये कितनी बार हो रहा है, एन टाइम्स, एन टाइम्स। तभी तुम सम ऑफ एपी निकाल लो, सम ऑफ जीपी निकाल लो, छोड़ो ना, सीधा है ना ये वैल्यू, कि ओहो दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ एपी, कॉमन डिफरेंस इज जीरो, है ना जी, ये सर सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ जीपी, कॉमन रेशियो इज वन, क्लियर है बात सबको, क्लियर है क्या कर रहा है, वी कैन इवन राइट इट एज अ नोट, यू नो व्हाट हैज टू बी डन, यू कैन जस्ट प्रोबब्ली राइट इट एज अ नोट फॉर फ्यूचर क्वेश्चंस, यू नो यू कैन जस्ट रिमेंबर, सो दिस पार्ट ऑफ थ्योरी, x to the power n minus y to the power n, that is equal to x minus y, you can remember this formula, right, and this is not actually a formula, it has come from GP only, x to the power n minus 1, y to the power 0, x to the power n minus 2, y to the power 2, karte karte karte, x to the power n minus r, y to the power r, plus 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 plus, x to the power 0, y to the power n minus 1, kahani chal rahi hai, और ये कैसे आए तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी, इट इज देयर इन योर हेड, राइट, हाउ इट हैज कम, यानी कैसे आया जी, बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल कहां से, बाइनोमियल सी दिख रहे हैं इसके अंदर, ये जीपी है, जीपी, अरे ये जीपी है बेटा, देख तो लो, घूरो अच्छे से, x टू द पावर n अपॉन y टू द पावर n अपॉन x माइनस y को अगर हम लिखें, राइट, कैन आई राइट दिस एज x टू द पावर n कॉमन निकाल लो, तो ये 1 माइनस y बाय x टू द पावर n हो गया, यहां से भी x कॉमन निकाल लो, तो ये 1 माइनस y बाय x हो गया, कुछ छात्र लोगों को समझ आ गया होगा कि जी आप क्या पेलने वाले हो, इक्वल टू x टू द पावर n माइनस 1, और ये क्या आया, 1 माइनस y बाय x टू द पावर n अपॉन 1 माइनस y बाय x, ये तो है, कैन यू राइट इट एक्सपेंशन, कहां तक जाएगा, n तक, n माइनस 1, सॉरी, सो दिस विल गो टू n माइनस 1, ये बात समझ आ रही है, ओहो जूम गायब हो गया क्या, दिस इज अ प्रॉब्लम, सो आई एंडेड क्रोम एंड जूम गॉट मिस्ड अप, वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट एंटर 870,
9130 2546. So coordinators, please make me the admin or co-host. I'll want to have to share the screen. Nitin, Amit, anybody? कोई है? हाँ जी भैया कर रहे हैं. हाँ हो गया चलो. जी तो अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर जी. दिस इज 1 + y / x का स्क्वायर प्लस y बाय एक्स का क्यूब. और ये कितने टर्म्स होंगे टोटल? n टर्म्स. दिस इज नंबर ऑफ टर्म्स. कहां तक जाएगा ये? -1 खत्म. दैट्स व्हाट इट इज. तो ये अब इसको एक्सपेंड कर लो. दैट इंप्लाइज x to the power n minus y to the power of n upon x minus y is nothing but x to the power n minus 1 and into y to the power 0 plus x to the power n minus 2 into y to the power 1. ek minute padhogi fir humne kuch galat likha hai na ki p humne galat likh diya. y to the power 2 kyun likh diya maine? 1 hoga bhai ye. 1 hoga aur ye r plus 1 hoga. ye general form likhne ki zarurat nahi hai. does not matter. sum of parts is n minus 1 actually na. x टू दी पावर लिख लो n माइनस आर है तो ये y टू दी पावर r प्लस 1 होगा. नहीं r माइनस 1 होगा. सम ऑफ पार्ट्स इज n माइनस 1 है ना. सम ऑफ पार्ट्स इज n माइनस 1. इज इट क्लियर? क्लियर है क्या कर रहे हैं? तो दिस इज नॉट कम फ्रॉम सम बाइनोमियल. इट हैज कम फ्रॉम gp. समझ आ रही है बात सबको? इज इट क्लियर? यू शुड ट्राई एंड रिमेंबर दिस. तो इधर यू रिमेंबर इन दिस फॉर्म जीपी वाली फॉर्म में रिमेंबर. या तो इस फॉर्म को रिवाइज रिमेंबर कर लो है ना. रिमेंबर दिस और ट्राई एंड रिमेंबर दिस. तो दिस इज ऑल इन योर हेड. दिस नथिंग न्यू व्हिच यू हैव डन हियर. दिस कमिंग फ्रॉम जीपी एक्सपेंशन ऑफ अ सीरीज. इज इट क्लियर? कुछ भी नया नहीं है. अभी देखोगे तो लगा देते तो खुद ही कर लेते. इसमें ऐसा क्या था? कोई बनावलों की बात ही नहीं है. क्लियर है बात सबको? क्लियर है कहानी? इज इट क्लियर भव्य? इज डाउट? यस भव्य, व्हाट्स योर डाउट? सो पहले का रहेगा. क्लियर है बात? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही इसमें? कैन यू मूव फर्दर? हां भैया. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. ये लो जी, सिंपल सा क्वेश्चन आ गया अभी. दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. So we're doing some questions based on nth roots of unity, right? Hello, this is the question, right? So leave space for the question and then you should write the question. And if alpha 1, alpha 2, alpha n minus 1 now are nth roots of unity. So now how many roots have been given to you? N. This time all n roots are given. N roots, right? Aur yahan par ye kitne terms hain? Kitne terms hain? 1 se start ho raha hai. N minus 1. है ना, 1 से स्टार्ट हो रहा है ये. क्लियर है? तो n माइनस 1 टर्म्स है. ये बात समझ आ रही है? राइट. तो सेम कहानी, अगर ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, इंप्लाइज x टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0 हैज n सॉल्यूशंस. और कौन से सॉल्यूशंस हैं? 1 अल्फा 1 अल्फा 2 टिल और n माइनस 1. तो अगेन इसमें तो अब कुछ है ही नहीं. इसमें अब कॉम्प्लेक्स वाली बात नहीं हो रही. बस वो nth रूट ऑफ यूनिटी की बात करी हुई है. तो कॉम्प्लेक्स से मतलब ही नहीं. इसकी इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन है. ये क्लियर है बात सबको? व्हिच इंप्लाइज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू. यू कैन राइट दिस एज
x minus 1 into what? X minus alpha 1 into x minus alpha 2 till what? X minus alpha n minus 1. Now what do you think you have to put? What is the value of x you have to put? Minus 1. Minus 1. Yes, not 1. If you will put 1, you will have 1 minus alpha. This time you want to have 1 plus alpha. To get the value of 1 plus alpha, how do you get 1 plus alpha? X ko kaise put karoge? Minus 1. To put x equal to minus 1. That implies we get minus 1 to the power n, minus 1 equal to minus 1 minus 1, minus 1 minus alpha 1, minus 1 minus alpha 2. Ye ghatiya question hai ab. Now once we understand the pattern of questions based on nth roots of unity, ye sare questions hai based on nth roots of unity. Is it clear? Clear hai kahani? Right? Ye chal rahi ji. Tab yahan pe kya kara ji? So this value is that this implies sabka minus common ho jayega. Kitne terms hai? N. Terms, n minus 1 terms hai ye? These are n minus 1 terms. Is it clear? So it is n minus 1 terms. How do we know n minus 1 terms? Final term label minus initial term label plus 1. Ki final term label kya hai? N minus 1. Initial term label kya hai? 1. Aur plus 1 karte hai na to get number of terms. Yaad hai? Number of terms. It is equal to final term label minus initial term label plus 1. I hope you remember. We did this in APT PHP. Final term label कुछ भी ले लो यहाँ से आ रहा है label, यहाँ से initial term का label आ रहा है plus one. We get n minus one terms, right? That's how you get. तो ये आ गया. तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? What do we get? We get minus one to the power n minus one upon minus two equal to सब में से minus common निकालूँगा तो minus one to the power n minus one हो जाएगा. Into what? One plus alpha. One plus alpha two plus one. The power n minus 1. Ye kahani chal rahi hai. Right? So what do we get? We get this implies we get yahan par ye minus idhar le jao. To ya 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 the 1 plus alpha 1 into 1 plus alpha 2 till 1 plus alpha n minus 1 is equal to minus 1 to the power n minus 1 upon minus 1 to the power n into 2 ho jayega na, minus 1 multiply ho jayega. That's how it is. Khatam baat. So what do we get? What we get this value as what? 1 minus 1 upon half of 1 minus 1 upon minus 1 to the power n. Right? You can put minus 1 to the power n upar. Koi prashani nahi hai. Clear hai kaise kara hai? Upar le ja sakte hai na isko? N ke base pe agar niche minus hoga to upar minus apne aap hi ho jayega. या वन को लिख दो माइनस वन टू द पार्ट टू एन. कैन यू राइट वन एज माइनस वन टू द पार्ट टू एन? एस लिख दो या तो राइट एंड पार कैंसिल कर दो, जैसे मर्जी खेल लो. सो वी हैव गॉट दिस एक्सप्रेशन एज वन माइनस माइनस वन टू द पार एन अपॉन व्हाट टू. दैट इज द एक्सप्रेशन. अब क्या बोले? नाउ इफ एन इज ऑड दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? इफ एन इज ऑड तो ये माइनस वन होगा तो ये वन हो जाएगा. दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू वन इफ एन बिलोंग्स टू इट इज टू के प्लस वन एंड इफ एन इज इवन ना तो ये क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगा. क्लियर है बात सबको? वेयर के बिलोंग्स टू व्हाट? नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स. के बिलोंग्स टू इंटीजर्स. क्लियर है बात सबको? तो अब यहां पर क्या है? ये वैल्यू क्या आ रही है? जीरो कब आ रही है? जब ये इवन है. हाँ तो ये आंसर ए हो जाएगा. आंसर जी it is 0 when n is even and 1 when n is odd. Is it clear? Bhav, Prabhav has a doubt. Yes, Prabhav. Ye jab half common liya uske baad calculation samajh nahi aayi. Kyun minus 1 kat gaye? Even ho gaya, samajh aa raha hai? Aur minus 1 ha. Minus 1 minus 1 to the power n hai. Ha. Iske baad maine is 1 ko kya likh diya? Is 1 ko likh diya minus 1 to the power 2 n. Ha. Par kat gayi aadhi aadhi. Ya logic se soch lo. कि n odd होगा और यहाँ माइनस वन आएगा तो माइनस ऊपर तो ले जाएंगे. माइनस नीचे तो ऊपर ले जा सकते हैं ना. n even भी होगा तो जो भी माइनस आएगा तो भी ऊपर आ जाएगा. डज नॉट मैटर. माइनस अगर नीचे आएगा तो माइनस ऑटोमेटिकली ऊपर भी आ जाएगा ना. हाँ. तो मैंने इस लॉजिक से ऊपर कर दिया इसको बाय डिफॉल्ट. ठीक है. फिर मैंने कहा मैथ से भी कर सकते हो. ठीक है. क्लियर है क्वेश्चन क्या है? अब इस क्वेश्चन कुछ भी नया नहीं है. इस क्वेश्चन में तो वो पुराने काली कहानी भी यूज नहीं होगी. ये भी जीरो नहीं और ये भी जीरो नहीं हुआ.
दोनों जीरो नहीं हुए ना, वो यूज करने कोई कहानी तब थी जब दोनों जीरो हो गए थे अनफॉर्चुनेटली, तब हमने एक्सपेंशन को यूज किया था, हमें एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर व्हाट यू हैव डन हियर? कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? इज इट क्लियर? हां भाई, लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन nth roots of unity, right? So you can write this, in fact idhar likh sakte ho bhi, if alpha is non real, is given to you that alpha is non real, hai na, and alpha is kya de rakha hai, it is fifth root of unity, it is fifth root of unity. Ye feeling aa rahi hai, right? अल्फा इज नॉन रियल, अल्फा इज फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, इसके 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 रूट्स दे रखे हैं। तो अब ये x टू द पावर 5 इक्वल टू 1 को सॉल्व करना है कि x इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1/5 और दिस इंप्लाइज x टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करना है, एंड 1 इज इक्वल टू व्हाट, e टू द पावर आयोटा 2k पाई, तो दैट इंप्लाइज x की वैल्यूज क्या होंगी, e टू द पावर आयोटा 2k पाई बाय 5, राइट? है ना, फिर के वैल्यू कहां से कहां जाएंगी, 0, 1, 2, 3 टिल 4, ये की तो बची है, क्या कर रहा हूं मैं, 0, 1, 2, 3, 4 खत्म, डॉट डॉट क्यों लगा रहा हूं, राइट? सो वी नीड टू हैव 5 वैल्यूज, राइट? तो व्हाट आर दोस 5 वैल्यूज, है ना, और यू कैन राइट दिस एज e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय 5 टू द पावर k, कैसे मर्जी सोच लो, याद है कहानियां, टेक्स्ट की क्या क्या वैल्यूज आ गई, 0 पुट करोगे तो 1, e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय 5, e टू द पावर आयोटा 4 पाई बाय 5, e टू द पावर आयोटा 6 पाई बाय 5, e टू द पावर आयोटा क्या होता है जी, 8 पाई बाय 5, है ना, फिर जी कोफिशिएंट जो जो इक्वेशन बनाई है, x टू द पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 0, all coefficients are real, what does that imply, conjugate, that implies conjugate complex too. Roots are in conjugate, will occur in conjugate pairs, so we already know this, right? To abhi complex numbers ko hum geometry se na dekh ke as a number dekh rahe hain, right? To ya to aise soch lo, this is equal to what, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्या होगा, क्यूब, एंड अल्फा टू द पावर 4, दैट इज वन वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस, और यू नो दैट दीस टू विल कम आउट टू बी कंजुगेट पेयर्स बाय पैटर्न, चेक कर देख लेना, ये 4 पाई 5 है तो माइनस माइनस 4 पाई 5 आने वाला है, चेक कर लेना, और ये दोनों दीस टू विल आल्सो कम इन व्हाट, दे विल आल्सो बी कंजुगेट पेयर्स, सो यू कैन इवन राइट दैट यू हैव गॉट 1 एंड देन एक रूट क्या है जी, 1 था, दूसरा था e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय 5, तीसरा था e टू द पावर आयोटा 4 पाई बाय 5, एंड देन यू कैन राइट दिस एज e टू द पावर आयोटा माइनस 4 पाई बाय 5, दिस e टू द पावर आयोटा माइनस 2 पाई बाय 5, लॉजिक क्लियर है? तो यू कैन डू द लेबलिंग लाइक दिस आल्सो, नाउ इफ यू आर कॉलिंग दिस एज व्हाट, 1 एंड अल्फा, एंड दिस इज व्हाट, अल्फा स्क्वायर, तो ये क्या है, दिस इज अल्फा टू द पावर माइनस 2, है ना, एक्सपेरिमेंट्स में खेल रहे हैं, एंड दिस व्हाट, अल्फा टू द पावर माइनस 1, लॉजिक क्लियर है? तो लेबलिंग ऑफ रूट्स कैन आल्सो बी रिटन एज व्हाट, कि इट इज इक्वल टू व्हाट, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, 1 बाय अल्फा स्क्वायर, एंड 1 बाय अल्फा, दीज आर द 5 रूट्स, राइट? और द लेबलिंग ऑफ रूट्स कैन बी सिंपल, इट इज 1, एक रूट था 1, एक था अल्फा 1, एक था अल्फा 2, एक था अल्फा 3, और एक क्या है, अल्फा 4, ये सिंपल लेबलिंग कर दी हमने, लॉजिक समझ आ रहा है, आई एम राइटिंग ऑल पॉसिबल लेबल्स, कि ये जब हमने प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में नहीं लिया, क्लियर है, ये जब हमने प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में ले लिया, इज इट क्लियर, है ना, किसी को ऐसे पसंद नहीं आएगा तो ऐसे कर लो, इट इज इक्वल टू व्हाट, जी 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, दिस इज अल्फा स्क्वायर का कॉन्जुगेट, ये दोनों कॉन्जुगेट है ना दूसरे के, बात समझ आ रही है, और ये क्या है, अल्फा का कॉन्जुगेट, समबडी मेड इट लाइक दिस, इज इट क्लियर,
फिर तुम्हें कॉन्जुगेट में खेलना हो तो सीधा क्या खेल दोगे, अल्फा कॉन्जुगेट का स्क्वायर, फिर चप्पल दिखानी पड़ेगी तब भागेंगे मैथ्स वाले। लिखे जा रहे, लिखे जा रहे, लिखे जा रहे, समझ आ रही है बात, राइट? तो आई एम जस्ट राइटिंग व्हाटएवर इज कमिंग इन माय हेड, सो दैट यू गेट कंफ्यूज्ड टू द कोर एंड देन यू कम आउट ऑफ दैट कंफ्यूजन एंड देन देयर इज क्लियर पिक्चर। अच्छे से कंफ्यूज हो जो होना है अभी के अभी हो जाओ जितना होना है, तो ये कंफ्यूजन ना हो कि जी ये क्या दे दिया, अरे जी ये अल्फा है, ये अल्फा स्क्वायर है, ये 1/α² को दे दिया क्योंकि ये दोनों कॉन्जुगेट होते हैं, तो जो भी इसकी पार होगी उसकी नेगेटिव पार इसकी होती है, इसलिए वो उस पार में खेल लिया। एक्चुअली ये और ये कॉन्जुगेट है एक दूसरे के, ये फीलिंग आ रही है? हाँ भैया। और फिर लगेगा जी यहाँ पे माइनस की जगह प्लस होना चाहिए था, पर एग्जाम में कुछ तो पंगे लेने थे ना, इसलिए माइनस दे दिया है ना, तो हमें पता है क्या पहनना होगा, हम यहाँ प्लस प्लस अल्फा टू द पावर माइनस वन करेंगे और माइनस अल्फा टू द पावर माइनस वन करेंगे। दैट्स व्हाट वी विल डू। सो व्हाट इज द गिवन एक्सप्रेशन, सो नाउ 2 टू द पावर मॉड ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा टू द पावर माइनस 2 माइनस अल्फा टू द पावर माइनस 1, इसका इसकी वैल्यू निकालनी है, ये 1 है ना, हां 1 है, ये निकालना है। सो दिस इज इक्वल टू, कैन आई राइट दिस इज 2 इनटू 1 प्लस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा टू द पावर माइनस 2 प्लस अल्फा टू द पावर माइनस 1 माइनस अल्फा टू द पावर ट्वाइस अल्फा टू द पावर माइनस 1। व्हाट आर दीस, व्हाट आर द फर्स्ट 5 वैल्यूज? Zero. This is sum of fifth roots of unity. This is sum of all roots, which is equal to 0. That's what it is. So that implies what we get. This is equal to 2 to the power 0 minus twice of alpha 1. Alpha to the power minus 1. Is that clear? So ye kya ho gaya? Mod likhenge to this is equal to twice of mod of minus 2 alpha to the power minus 1. Ab dekho main directly likh raha hu. पर तुम्हें पक्के से कंफ्यूजन होगी बिकॉज यू आर डूइंग इट यू नो प्रॉब्ली फॉर द फर्स्ट टाइम और देयर इज नो एनफ प्रैक्टिस। ये क्लियर है, मैं तीनों का मॉड अलग अलग कर दिया, ये तो समझ आ रहा है, ये समझ आ रहा है? व्हाट इज मॉड ऑफ माइनस 1? 1। व्हाट इज मॉड ऑफ 2? 2। और इसका मॉड क्या है? ये भी 1 है। ये समझ आ रही है बात? बिकॉज अल्फा इज व्हाट, एनथ रूट ऑफ यूनिटी। हां भैया, वरना वैल्यू निकाल लो, ये अल्फा टू द पावर माइनस 1 क्या था, लास्ट रूट था, अल्फा टू द पावर माइनस 1 क्या था, लास्ट रूट आ रहा था, तो व्हाट वाज अल्फा टू द पावर माइनस 1, या तो अल्फा टू द पावर माइनस 1 इज nth रूट ऑफ यूनिटी और फिफ्थ रूट है ना, तो ऑब्वियसली mod of alpha to the power minus 1 has to be equal to 1, or you can say what was alpha to the power minus 1 is e to the power iota minus iota 2 pi by 5, jaise marzi kar lo, implies what is the value of mod of alpha to the power minus 1 equal to 1, okay, this is cos theta plus iota sin theta, or cos theta plus iota sin theta ka mod hamesha 1 hoga, cos square theta plus sin square theta, logic clear hai? Ha bhaiya, right, you can think the way you want to think, उसको लिख लिख के करोगे तब जाके फीलिंग होगी, तो ये आंसर आ गया 4। दिस इज द आंसर, सो द वैल्यू ऑफ दिस, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, दिस इज इक्वल टू 4, दिस इज द आंसर। क्लियर है क्या करा है, कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, इज इट क्लियर, समझ आ रही कहानियां, डाउट तो नहीं है, राइट? Please unmute yourself, right? People of Alpha and Alpha Supreme should at least unmute themselves if they want me to speed up. You know, if they are fine with getting bored, it is perfectly fine with me. You know, I can even make you sleep more, right? I need to do at least, you know, 25 to 30 questions. If you will not respond, we'll stop at 20. And then rest 20 you will do by yourself. Khatam. Hai ji? तो द लेसर द मेरियर, कुछ लोग ऐसे पेल रहे हैं, अच्छी बात है, कम समय आपने बोला जितना कम डेटा होगा उतना कम हार्ड डिस्क में सर्च ऑपरेशन में टाइम लगेगा, तो बेटर है, राइट? सो अनम्यूट योरसेल्फ, व्हाई डोंट यू अनम्यूट योरसेल्फ, क्या परेशानी है, हैं क्या दिक्कत है, सो यू शुड अनम्यूट योरसेल्फ, वरना फायदा नहीं, वरना तो मैं ऐसा करूंगा ना, यूट्यूब पे सारी वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ और साइड डाल देता हूँ, क्या परेशानी है, यूट्यूब पे पूरा यही कंटेंट ही पड़ा हुआ, यू डोंट नीड टू इवन कम। The whole idea of having a live class is that we elevate each other. We give each other's energies.
दैट्स द फीलिंग राइट. अभी दे दिया जी, यहाँ पे क्या दे दिया, cos 8 पाई बाय 11 एंड sin 8 पाई बाय 11, इसकी बातें करी हुई है, cos 8 पाई बाय 11 sin 8 पाई बाय 11 है ना. शायद समझ आ रहा हो कि शायद 11th रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करी हो. यहां से देख के सिर्फ ये फीलिंग हो रही है कि probably 11th रूट ऑफ यूनिटी हैज टू बी थॉट. ये व्हाइट में बहुत बढ़िया कलर लग रहे हैं एक्चुअली में मुझे तो ना. वी शुड हैव अ व्हाइट बैकग्राउंड, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग. प्रॉब्ली 11th रूट ऑफ यूनिटी हैज टू बी थॉट अबाउट. ये फीलिंग आ रही है सोशलिस्ट में नाम से. इज इट कमिंग? यस सर. हां 8 पाई तो लग नहीं रहा. 8 पाई आएगा ना, वो 2 पाई 4 पाई 6 पाई आता है. अच्छा वैसे हां 6 2 पाई 4 पाई 6 पाई भी तो आ रहा था, वो तो आता ही है 2 के पाई जी, 5 सेम रहता है ना. हां तो 8 पाई कहीं ना कहीं आ रहा होगा, एक ना एक रूट में आ जाएगा. उसको अल्फा बोल दिया, शुरू हो जाते हैं है ना. सो लीव स्पेस टू राइट द क्वेश्चन. लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन. सो दैट इंप्लाइज लेट्स टॉक अबाउट x टू द पावर 11 इक्वल टू 1. इसको सोचना है ना. x टू पावर 11 इक्वल टू 1, व्हाट इज 1? e टू द पावर आयोटा 2k पाई. क्लियर है? सो x इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा 2k पाई बाय 11 है ना जी. फिर हम शुरू हो गए, फिर k वैल्यू कहां से कहां जाएगी, 0 को 1 2 टिल व्हाट 10, यानी हाईएस्ट वैल्यू 20 पाई बाय 11 होगी. x की वैल्यू क्या होगी, e टू द पावर पहली वैल्यू तो 1, फिर e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय 11, फिर e टू द पावर आयोटा 4 पाई बाय 11, फिर e टू द पावर आयोटा 6 पाई बाय 11, e टू द पावर आयोटा 8 पाई बाय 11 आ गया ना, 8 पाई बाय 11, e टू द पावर आयोटा 10 पाई बाय 11 एंड 5 मोर वैल्यूज कंजुगेट पेयर्स. ये फीलिंग आ रही है? हाँ भैया है ना. और आखिरी वाली क्या है, e टू द पावर आयोटा 20 पाई बाय 11 ये समझ आ रही कहानियां. इज इट क्लियर? अब एक तरीका तो ये है कि यू कैन टेक दिस वैल्यू एज व्हाट, अल्फा. इसको ये अल्फा है, ये एग्जामिनर ने अल्फा दे दिया है. दिस ही हैज गिवन एज अल्फा. इज इट क्लियर? इफ दिस ही हैज गिवन एज अल्फा, तो अब देखना है अल्फा स्क्वायर क्या होगा. अल्फा स्क्वायर क्या होगा, 16 पाई बाय 11. हां भैया, तो ये तुम्हारा अल्फा स्क्वायर हो गया. अल्फा क्यूब क्या होगा, what is alpha cube? 24 pi by 11. 24 pi by 11. e to the power iota 24 pi by 11. So can I write this as, this is e to the power iota 2 pi plus 2 pi by 11. 24 pi, so 22 plus 2 pi. So this is equal to what? E to the power iota 2 pi by 11. You clear hai? So ye kya ho gaya? Alpha cube. ये फीलिंग आ रही है. अल्फा टू द पावर 4 क्या होगा, ई टू द पावर आयोटा 32 पाई बाय 11. इज इट क्लियर? तो ये कितना हो गया, ई टू द पावर आयोटा 2 पाई, 24 माइनस कर दो तो कितना बचा, 8 पाई बाय 11 हो गया. नहीं, 22 माइनस करो, 10 पाई बाय 11. ये समझ आ रही है बात? किसके बराबर हो गया, e टू द पावर आयोटा 10 पाई बाय 11. तो ये क्या हो गया, अल्फा टू द पावर 4. बगल लेफ्ट वाला होगा भैया. क्या? हां लेफ्ट भैया, आपने 12 पे लगा. ये बात समझ आ रही है? और क्या बचा है, अल्फा टू द पावर 4 भी हो गया,
अल्फा टू पावर 5 भी चाहिए, अल्फा टू द पावर 5 वो कितना है जी, e टू द पावर आयोटा कितना 45/11, दिस e टू द पावर आयोटा कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस कितना हो गया 18 पाई बाय 11 तो ये तुम्हारा क्या हो गया अल्फा टू द पावर 5 तो 5 निकाल दिए और पक्के से बाकी 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 बचे 5 इसके कॉन्जुगेट होंगे तो दे हैव टू बी एग्जिस्टिंग कॉन्जुगेट पेयर्स क्लियर है अल्फा टू द पावर 6 हैज टू बी कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा टू द पावर 5 समझ आ रही है बात रेस्ट 5 इसके क्या होंगे कॉन्जुगेट्स अल्फा टू द पावर 6 इज इक्वल टू व्हाट ई टू द पावर आयोटा 48 पाई बाय 11 व्हिच इज ई टू द पावर आयोटा 4 पाई प्लस 4 पाई बाय 11 क्लियर है इज इट क्लियर क्या हो गया ई टू द पावर आयोटा 4 पाई बाय 11 आ गया ना ये सो दिस इज योर अल्फा टू द पावर 6 अब चेक कर लो अल्फा टू द पावर 6 और अल्फा टू द पावर 5 कॉन्जुगेट्स होने चाहिए टेक्निकली आ रहे हां भैया हैं ये क्या है इट इज पाई प्लस 7 पाई बाय 11 दिस इज पाई प्लस 7 पाई बाय 11 18 पाई बाय 11 है ना ये यस सर ये फीलिंग आ रही है दिस इज पाई प्लस 7 पाई बाय 11 और प्लस 7 पाई बाय 11 जाओगे तो उल्टा आ जाओ माइनस 4 पाई बाय 11 ये फीलिंग आ रही है so this is equivalent to what it is e to the power iota minus 4 pi by 11 yani agar tumne isko alpha to the power 5 mana hai so this is conjugate of alpha to the power 5 is it clear alpha to the power 7 jo aayega wo alpha to the power 4 ka conjugate hoga feeling aa rahi hai alpha to the power 7 kya hoga e to the power iota 56 pi by 11 right what is that e to the power iota 4 pi hata do 48 hata do 44 hata do 12 pi by 11 ha to kitna ho gaya 4 plus 12 pi by 11 12 pi by 11 kaam par aa gaya this is your alpha to the power 7 aur check kar lo ye alpha to the power 4 ka conjugate aane wala hai है ना ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के बाहर है हाँ. तो अल्फा टू पावर 4 प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के अंदर होगा ये अंदर है देखो ये अंदर है 10 पाई बाय 11 है ना तो ये पाई बाय 11 एक्स्ट्रा है तो पाई बाय 11 पाई से प्लस कर रहे हो तो क्लॉकवाइज घूम जाओ माइनस 10 पाई बाय 11 दिस वैल्यू इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा माइनस 10 पाई बाय 11 ये फीलिंग आ रही है दिस पाई प्लस पाई बाय 11 हां भैया आर यू एबल टू विजुलाइज दिस हां भैया इट इज पाई प्लस पाई बाय 11 pi plus pi by 11 जा रहे हैं so it is better to come clockwise how much 10 pi by 11 clockwise आ जाओ minus आ जाएगा because clockwise आ रहे हो is it clear yes भैया yes ये आ गया जी यानी alpha to the power 7 जो है अब अगर alpha to the power 4 को वो मान रहे हैं वो basic ले रहे हैं तो इसका conjugate हो गया alpha to the power 7 यानी बाकी सारे conjugate होने वाले हैं तो 5 को हमने क्या ले लिया alpha alpha square alpha cube alpha to the power 4 alpha to the power 5 ये total 11 root थे ना 11 11th roots of unity है ना 11th roots तो root of unity निकालते तो 11 आएंगे we had 11 11th roots of unity उसमें से एक क्या था 1 बाकी पहले 5 ले लिए alpha to the power 1 2 3 4 5 और बाकी 5 क्या होंगे conjugate is it clear everyone clear है ये बात सबको भैया एक doubt है हाँ बोलो भाई आपने जैसे बिना कैलकुलेट किए कैसे बोल दिया था कि जो अल्फा 6 होगा वो अल्फा 5 के कंजुगेट होगा वही पैटर्न चल रहा था ना पैटर्न तो ये है ना रूट्स के हैं 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर पैटर्न है ना वो 1 ये रोबोट इज नॉट वर्किंग आई डोंट नो व्हाई सो द पैटर्न इज 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा टू द पावर 3 अल्फा टू द पावर 4 अल्फा टू द पावर 5 अल्फा टू द पावर 6 अल्फा टू द पावर 7 अल्फा टू द पावर 8 अल्फा टू द पावर 9 अल्फा टू द पावर 10 ये तो पैटर्न है इसमें से जो पहले 5 लेते हो उसमें छठा इसका कॉन्जुगेट हो जाता है सातवां इसका कॉन्जुगेट हो जाता है आठवां इसका कॉन्जुगेट हो जाता है ये लास्ट टू लास्ट वही एपी वाली फीलिंग है बेसिकली हां वो पैटर्न टू लास्ट टर्म सिमिलर है पैटर्न देखिए बोला था मैंने तो ठीक है भैया ठीक है और तुम्हें उसी पैटर्न में लेकर आना तो ऐसे भी कर सकते हो अब ये तो देखो हमें पता नहीं था इसलिए 2 के पाई ले लिया हमें 11th पाई की फीलिंग आई हम सीधा 8 पाई में डील कर सकते हैं हम अल्फा को 8 पाई बना दें
हमें यहाँ तो जबरदस्ती चूज करना पड़ा इसको अल्फा, है ना, हम किसको इसी को पहले ले आते हैं भाई, ऐसे भी कर सकते हैं, बेटर तरीका ये होगा इनफैक्ट। नाउ वी शुड ट्राई एंड रिमेंबर दिस, हाउ टू डू दिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि वी हैड वी हैड वी हैव बीन गिवन x टू द पावर 11 इक्वल टू 1, द वाई टू राइट 2k पाई, लेट्स राइट इट एज 8k पाई, कैन राइट इट एज 8k पाई, हां भैया ऑब्वियसली आई कैन राइट इट एज 8k पाई। अभी क्या हो गया, x is equal to e to the power iota 8k pi by 11, which is nothing but e to the power iota 8 pi by 11 to the power k, where k goes from 0, 1, 2 till what? 10. अब शुरू हो जाओ, what are the values of x? कौन कौन के रूट्स आ गए? 1, e to the power iota 8 pi by 11, e to the power iota 8 pi by 11 का square, फीलिंग आ रही है, e to the power iota 8 pi by 11 का क्यूब, सारी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज से बाहर होंगी, अंदर लेकर आना पड़ेगा, ये बात समझ आ रही है? करते 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 कहां तक जाएंगे, तो अगर इसको मैं मान रहा हूं, if I assume this to be alpha, if I assume this to be alpha, तो ये क्या हो गया, alpha square, ये क्या होगा, alpha cube, फिर alpha to the power 4, alpha to the power 5, 5 रूट आ जाएंगे, और फिर नेक्स्ट के कौन से रूट्स होंगे, वो कॉन्जुगेट्स होंगे, मिला अल्फा टू द पावर 5 का कॉन्जुगेट, अल्फा टू द पावर 4 का कॉन्जुगेट, अल्फा टू द पावर 3 का कॉन्जुगेट, अल्फा टू द पावर 2 का कॉन्जुगेट, अल्फा अल्फा का कॉन्जुगेट, ये तो होगा, और यू कैन राइट दिस इज व्हाट, अल्फा टू द पावर 6, और यू कैन राइट दिस अल्फा टू द पावर 7, अल्फा टू द पावर 8, अल्फा टू द पावर 9, अल्फा टू द पावर 10, जो मर्जी कर लो, ये क्लियर है? हां भैया, क्या कर रहे हैं, तो इन 5 का जो सम है और इन 5 का जो सम है वो प्योरली रियल देगा हमें, क्योंकि इसका जितना इमेजिनरी पार्ट है वो इस लास्ट ब्लू के इमेजिनरी पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इट क्लियर? क्लियर है, तो वी कैन टॉक अबाउट सम ऑफ रूट्स, वी कैन टॉक अबाउट सम ऑफ रूट्स, तो अब या तो इसको मान लो इस पूरे को, नाउ वी हैव टू डू 1 प्लस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 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 अल्फा टू द पावर 5 प्लस अल्फा टू द पावर 5 का कॉन्जुगेट, अल्फा टू द पावर 4 का कॉन्जुगेट, टिल 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 अल्फा, इस सब का सम क्या होता है? 0 0 0 0 सम ऑफ रूट्स, बिकॉज़ इट इज सम ऑफ रूट्स, ये क्लियर है ना? या तो बिल्कुल फील से कर लो, या इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो, या जो फील से करते हैं, अब इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट सेम होगा ना, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ट्वाइस द रियल पार्ट ऑफ अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा टू द पावर 4 प्लस अल्फा टू द पावर 5, क्योंकि इमेजिनरी कैंसिल आउट हो जाएंगे, इमेजिनरी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बात समझ आ रही है? हां भैया, दिस इज इक्वल टू 0, तो व्हाट इज द रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा टू द पावर 4 अल्फा टू द पावर 5 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस हाफ, फीलिंग से भी आ रहा था माइनस हाफ होना चाहिए था, क्योंकि यहां पे 1 है, तो आधा रियल पार्ट यहाँ चाहिए था माइनस सात, आधा रियल पार्ट यहाँ चाहिए था माइनस सात, अभी तो जीरो होगा, इमेजिनरी कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, राइट? सम पीपल डोंट थिंक लाइक दिस, कुछ लोग ऐसे सोच लेते हैं इसको और, कि जी लेट अस अज्यूम दिस टू बी वन कॉम्प्लेक्स नंबर z, सो इफ दिस इज z दिस विल बी z कॉन्जुगेट, ये पूरा z कॉन्जुगेट होगा ना, इसको नेक्स्ट फॉरवर्ड फॉर्म में ऐसे लिख देते ना, दिस इज 1 प्लस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 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 अल्फा टू द पावर 5 प्लस alpha to the power alpha to the power 5 plus alpha to the power 4 plus 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 alpha, is pure ka conjugate, you can just combine the conjugates and plus equal to 0, right? So this, so they take it as what, this is, this value is equal to what, z plus z conjugate is equal to 0, and what is z plus z conjugate, just to show it is twice real part of z, ye jaldi samajhate logo ekdam se, hai na, it is equal to 0, so real part of z is equal to what, it is equal to minus half, which is real part of alpha plus alpha square, aise kar lo however you are comfortable, question samajh aa raha hai ki agar tum 8k pi wali kahani bhi nahi soch pate jo ki mushkil hai ekdam samay sabne thodi aayenge ki ha dimag ki aadat kya bani hui hai 2k pi sochne ki to koi to bhi koi dikkat nahi hai kyunki jo tum jo tumne 5 orange values liye hain next values jo hai unki conjugate hone wali to un sab ko jab add karoge to imaginary part to cancel out ho jayega, ऑरेंज का जो रियल पार्ट है उसको ट्वाइस लेना है,
overall sum is 1 plus twice the real part of orange. That is equal to 0. तो अपने आप आ गया, तब भी आंसर आ जाएगा, कोई ऐसा नहीं आंसर नहीं आएगा, आंसर पक्के से आ जाएगा, पर इसमें से थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, है ना, कोई फीलिंग कम है ना, मुझे फीलिंग ज्यादा है, तुम्हें फीलिंग अभी कम है ना, शायद अभी अभी 2-3 दिन 4 दिन बाद क्वेश्चन करेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो जाएगी, वरना अब ये याद रखना है कि 8 के पाई को अल्फा लेना है ना, तो वाई नॉट कन्वर्ट इट इनटू 8 के पाई, अभी याद रखना है इसको, यू हैव टू काइंड ऑफ रिमेंबर दिस, इट्स काइंड ऑफ अ थ्योरी पार्ट, यू कैन टेक 1 एज ई टू द पावर आयोटा 8 के पाई, 4 के पाई, 6 के पाई एंड सो ऑन. इज इट क्लियर? डाउट है भैया. हां बोलो. भैया इसमें हमने फिर x लिया ही क्यों, हम सीधा अल्फा इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 8k by 11 नहीं लिख सकते हैं, 8 पाई बाय 11. 8 पाई बाय 11 लिखा तो है, तो हमने x वेरिएबल ही क्यों लिया, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल क्यों ले लिया हमने, मैं तो इक्वेशन सॉल्व कर रही है, वेरिएबल कहां लिया, मैंने कहा अल्फा इस इक्वेशन का रूट है ना, हां x टू द पावर 11 माइनस 1 इक्वल टू 0 इसका रूट है. अच्छा, वन ऑफ द रूट्स इज अल्फा, तो हमको जो स्टार्टिंग में अल्फा की इक्वेशन दी है उससे डायरेक्टली अल्फा नहीं निकाल सकते, अल्फा इज इक्वल्स टू cos 8 पाई बाय 11 वाली से, वहीं से निकाला, वहीं से तो फीलिंग आई है, वहीं से पता चला कि अल्फा क्या लेना है, e टू द पावर आयोटा 8 पाई बाय 11. अच्छा, पर तुम आप लिखो, अब तुम्हें लिखना चालू कर दोगे तो कैसे आंसर निकालोगे, e टू द पावर आयोटा 8 पाई बाय 11 प्लस e टू द पावर आयोटा क्या लिखोगे, 16 पाई बाय 11, और फिर क्या cos cos और उसमें खोलोगे, अच्छा फिर खड़े-खड़े देखते रहोगे जी ये कैसे करें जी, जी जाएगा ना, तो सोचना पड़ेगा कि ये जो है दीज आर फाइव रूट्स, दीज आर फाइव रूट्स आउट ऑफ 11 रूट्स, तो ये पहले 5 रूट्स हैं और नेक्स्ट 5 रूट इनके क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे, तो सबका सम करेंगे और 1 का भी सम करेंगे तो ओवरऑल आंसर 0 आता है, ओवरऑल 0 आएगा. हां तो सोचना पड़ेगा ना, ये आयलर फॉर्म्स थोड़ी कर पाओगे कि cos थीटा प्लस sin थीटा करके आंसर निकाल रहे हैं, बहुत अजीब जाएगा फिर तो. ओके भैया, क्लियर है कैसे करा है? हां हां भैया, राइट, यू हैव टू सॉल्व दीस क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, 2-3-4 बार करना पड़ेगा तब जाके कुछ फीलिंग और स्ट्रांग होगी, राइट, सो यू हैव टू डू इट अगेन अगेन. नाउ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन हिज ट्राइंग टू अनदर क्वेश्चन, सो वी हैव डन इनफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एनथ रूट्स ऑफ यूनिटी, राइट, आई होप यू नो थिंग्स माइट इंप्रूव, इन फैक्ट यू नो, चलो ये कर लेते हैं पहले, ऐसा करते हैं, ये लो एक और कर लो, सो इफ ओमेगा इज एनथ रूट ऑफ यूनिटी, सो इट इज नॉट अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी राइट नाउ, इट इज एनथ रूट ऑफ यूनिटी. And Z1 and Z2 are any consecutive, any two complex numbers. Try to write the question right now. कि बाद में कौन लिखे, बार बार एक question लिखने का एक और काम हो जाएगा. तो I'm a bit slow by default. So try and write the question right away, if it is possible. तो अगर omega is nth root of unity, then Z1 and Z2 are any two complex numbers. Then you have to prove this. Right? और ये कुछ कुछ ऐसे लिखा होना चाहिए था, मतलब one omega omega square जो है, मतलब basically तो one omega omega square till omega to the power n minus one are n nth roots of unity implies 1 omega omega square till n minus 1 are solutions or roots of equation x to the power n minus 11 minus 1 equal to 0, right? So we already know this, which implies x to the power n is equal to 1 equal to e to the power iota 2k pi. That implies e to the power, this implies x is equal to e to the power iota 2k pi by n, or it is e to the power iota 2 pi by n to the power k, where k goes from 0, 1, 2 till n. That's what it is. ना जी, तो हमें पता है ये वैल्यूज क्या होंगी x की, जी 1 e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय n, जिसको तुमने क्या मान लिया है ओमेगा, फिर क्या होगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब टिल ओमेगा टू द पावर n माइनस 1. तेरे कितनी बार सॉल्व करेंगे, अब ये मैं आखिरी बार सॉल्व करूं, दोबारा नहीं करूंगा इसको. इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ वी हैव टू फाइंड द सिग्मा वैल्यू ऑफ दिस. भैया n -1 होगा, हां क्या होगा, आपने k k की वैल्यूज लिख रखे हैं, तो n -1. यस, वी नीड टू फाइंड द सिग्मा ऑफ z1 प्लस ओमेगा टू द पावर k
जेड टू का मॉड का स्क्वायर, राइट, वेयर के गोज फ्रॉम और जीरो टू एन माइनस. नाउ यू नो दिस, यू नो हाउ टू गेट रिड ऑफ द मॉड, याद है ना? क्या करोगे? यूज मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? जेड जेड टू जेड कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट, दिस व्हाट यू हैव टू यूज. तो दैट इज अ वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ द मॉड, राइट. तो बस खत्म. कॉम्प्लेक्स में हमें मॉड हटाने का तरीका मतलब पता है, फॉर्चुनेटली. तो दिस इज जेड वन प्लस ओमेगा टू द पावर के जेड टू. तो अगर तुम्हें स्टार्टिंग पता है तो दिस क्वेश्चन इज वेरी मच डूएबल इन एग्जाम. दैट्स हाउ इट इज, राइट. फर्दर आगे चलते हैं. दिस इज सिग्मा के इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन जेड वन प्लस ओमेगा के जेड टू इंटू, ये क्या है, जेड वन कॉन्जुगेट प्लस ओमेगा के कॉन्जुगेट ओमेगा टू द पावर के कॉन्जुगेट इंटू जेड टू कॉन्जुगेट. क्लियर है? तोड़ दिया मैंने. वट हैव आई यूज्ड? I've used Z1 plus Z2 plus 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 Zn ka conjugate equal to what? Z1 conjugate plus Z2 conjugate plus 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 Zn conjugate. And I've also used Z1, Z2, Z3 till Zn ka conjugate equal to what? Z1 conjugate into Z2 conjugate into Zn conjugate. You feeling aa rahi hai? Yes. तो जब मैंने ये प्लस में ब्रेक करा तो ऐसे करा होगा, Z1 conjugate into इस पूरे का conjugate plus इसका conjugate. फिर जब इस पूरे को ब्रेक करा होगा तो this into this का conjugate is equal to इसका conjugate into इसका conjugate. बिल्कुल obvious हो कि अब क्या property use कर रहे हैं, right? आगे चलते हैं. Let's move further. So let's try and multiply this. So what do we get? Z1 into Z1 conjugate, you know, plus omega k into इन दोनों को multiply कर रहा हूँ, आखिरी दो को. ओमेगा के कॉन्जुगेट इंटू जेड टू कॉन्जुगेट, ये आ गया, राइट. के इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन, है ना, प्लस जेड वन इंटू, ये कर दो, ओमेगा के कॉन्जुगेट जेड वन इंटू जेड टू बार प्लस, या ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जेड वन इंटू ओमेगा टू द पावर के कॉन्जुगेट जेड टू कॉन्जुगेट प्लस जेड वन को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा ओमेगा टू द पावर के जेड टू इंटू जेड वन कॉन्जुगेट. Right. If you try and see further, let us try to rearrange. तो अगर sigma k equal to zero to n minus one, ये क्या आ गया? Mod z one square, independent of k. ये clear है? ये क्या आ गया? Plus mod omega k का square plus mod z two square plus ये क्या? मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ. Omega to the power k conjugate z one z two conjugate. और ये लिख रहा हूं मैं इसको, दिस इज इक्वल टू ओमेगा टू द पावर के इनटू जेड वन कॉन्जुगेट जेड टू, ये लिख दिया. फर्दर सोचे तो सिग्मा के इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन, यहीं पे हो जाता पर मैं चलो एक स्टेप और लिख रहा हूं. कैन आई से दिस इज वन? व्हाट इज मॉडुलस ऑफ ओमेगा? वन. द एन इज रूट्स ऑफ यूनिटी. ये बात समझ आ रही है? तो ये ऑब्वियस है कि मॉड ऑफ एनी रूट ऑफ यूनिटी दैट इज इक्वल टू वन. मॉडुलस वन होगा ना सबका? इन सबका मॉडुलस वन होगा. तो मॉड ऑफ ओमेगा इज वन, ये के को ही बाहर लेकर निकाल सकते हो. यू कैन राइट दिस एज इक्वल टू व्हाट? मॉड ऑफ ओमेगा टू द पावर टू के भी लिख सकते हो इसको. एंड व्हाट इज मॉड ऑफ ओमेगा? वन. ये क्लियर है बात सबको? यहां अजीब लगेगा दिमाग को कि ये क्या कर दिया एकदम, पर तीन चार अजीब लगेगा उसको नॉर्मल हो जाएगा कि जी अजीब इज द न्यू नॉर्मल. इज इट क्लियर कि मॉडुलस ऑफ एनी रूट ऑफ यूनिटी इज वन? तो दिस इज प्लस जेड टू का स्क्वायर प्लस, इसको लिख रहा हूं ओमेगा टू द पावर के जेड वन जेड टू कॉन्जुगेट, और मैं इसको लिख रहा हूं प्लस ओमेगा टू द पावर के कॉन्जुगेट Z1, Z2 conjugate का whole conjugate. ये दोनों एक दूसरे के conjugates हैं. If this number is some complex number H or it is Y, तो ये complex number Y conjugate है. Feeling आ रही है? इसको conjugate ले लो ऊपर वाले का. इसको conjugate ले लो तो ये बन जाएगा. इसको conjugate लोगे, फिर तोड़ोगे, तो ये omega k का conjugate हो जाएगा. तो omega क्या आ जाएगा? इसको conjugate Z1 conjugate, इसको conjugate conjugate क्या हो जाएगा? Z2. ये फीलिंग आ रही है? कॉन्जुगेट्स है ये?
इज इट क्लियर भैया? यस सर. क्लियर है कहानी? सो दीज आर कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर. ये बात समझ आ रही है? इज इट क्लियर? है ना, एक दूसरे कॉन्जुगेट्स है. नहीं तो अलग अलग सम कर लो. अजीब लग रहा हो तो अलग अलग सम कर लो, नॉट अ प्रॉब्लम. तुम्हें अलग 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 सम करके चल जाएगा. देखो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा को ब्रेक कर दें. आई कैन राइट दिस एज ये सब कॉन्स्टेंट्स है. दैट इज जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर. और ये कितनी बार आएगा, जितनी बार के रिपीट होगा. तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मल्टीप्लाइंग दिस बाय एन. सिग्मा की प्रॉपर्टी कि के इक्वल टू जीरो पे ये टर्म आएगा, के इक्वल टू वन पे ये टर्म आएगा, के इक्वल टू थ्री पे ये टर्म आएगा, के इक्वल टू फोर पे टर्म आएगा. तो ये टर्म कितनी बार आएगा, एन टर्म्स, एन टाइम्स आएगा, जीरो से एन माइनस जा रहे हैं, राइट. प्लस सिग्मा ऑफ के इक्वल टू जीरो. I need steps also, तो जरूरी नहीं है, मैं इसको ऐसे लिख सकते हूँ. K sigma of K equal to 0 to n minus 1. चलो कोई steps तो लिखना ही है तो इसको लिख दो. इसको हम ब्रेक नहीं कर रहे हो, K पे डिपेंडेंट ही नहीं है ये. इसको ब्रेक कर दिया है ना, और z1 z2 बाहर निकाल दिया. Sigma omega to the power K conjugate K equal to 0 to n minus 1 है ना, प्लस एक मिनट, ये दो बार कर दिया हमने, ये वो कॉन्जुगेट आएगा ये, ठीक है. प्लस z1 कॉन्जुगेट है, z1 पे भी कॉन्जुगेट. ये क्लियर है कैसे खोला है? नॉट दिस सम ऑफ ऑल रूट्स. दिस ऑल सम ऑफ ऑल रूट्स. Sum of conjugate of all roots. And this is what? Sum of all roots. ये दोनों values ही क्या होंगी? Zero. Zero होंगी दोनों values. Is it clear? Both values will be zero by default. खत्म होगी बात. तो ये आगे, और ये value क्या होगी? This is n times of mod of z1 square. प्लस मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर प्लस जीरो प्लस जीरो. हेंस प्रूव्ड. प्रूव हो ना हो ये तो लगाना ही होता है. इसके इसका एक नंबर होता है एग्जाम के अंदर कि हेंस प्रूव्ड नहीं लिखा. क्लियर है क्या करा हुआ है? कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, राइट? व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? ये एग्जाम में हो जाएगा फॉर श्योर. ये क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता तुम एग्जाम में ना कर पाओ, प्रोवाइडेड यू स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप दैट हाउ डू यू गेट रिड ऑफ मोड. उसे तो कुछ भी नहीं कर रहा, सिंपल सॉल्व कर रहा है, मैथ्स लगाई उसके बाद तो सॉल्व कर रहा है, लिख दिया है ना. और एक ये चीज इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग, ये वन कैसे है? अरे मॉडुलस ऑफ यूनिटी का रूट है तो वन ही होगा, ऑब्वियस बात है. ये लिख दिया तो उसके बाद तो ये अपने आप समझ आ जाएगा कि सम ऑफ ऑल रूट्स का कॉन्जुगेट है ये सम ऑफ ऑल रूट्स है, तो ऑब्वियस बात है ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा. खत्म. इज इट क्लियर व्हाट यू डन हियर? कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? इज इट क्लियर? हां जी भैया. हां भैया, आगे चलते हैं जी. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन एन्स रूट्स ऑफ यूनिटी. सो दिस क्वेश्चन इन्वॉल्व्स अ बिट मोर एक्स्ट्रा एफर्ट है ना, पर पहले समझना जरूरी है, राइट? आई कैन राइट द ऑप्शंस. ऑप्शन ए इज n minus 2 into 2 to the power n. Option B is n minus 2 into 2 to the power n minus 1 plus 1 upon 2 to the power n minus 1. Right. And option C is, B is the correct answer, I'm just telling you. N minus 2 into 2 to the power n minus 1 upon 2 to the power n minus 1. Option D is none of these. Right. The answer is not important. The logic is important. How to get to it is more important. So, सबसे पहले क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं तो पहले देखते समझ आ गए तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, कोई टॉपिक तो दिखते नहीं है ना. एन एस रूट्स ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं, अच्छा जी ओहो कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन, आधे लोग तो यहीं छोड़ के भाग जाएंगे है ना जी. Now, let's try and write what is the sum given to you. The sum which you have to find is sigma 1 upon 2 minus alpha to the power i. Ye a nahi hai, this is alpha.
is alpha. This is 2 minus alpha to the power I. Right? 2 minus alpha to the power I, where ki goes from 1 to n minus 1. Just given to you. है ना, तो एकदम सिग्मा देख के फीलिंग नहीं आती, तो बेटर इसको खोल के देख लो. दिस इज व्हाट, 1 माइनस 2 माइनस अल्फा, 1 अपॉन 2 माइनस अल्फा, प्लस आई की वैल्यू 2 होगी, 1 अपॉन 2 माइनस अल्फा स्क्वायर, प्लस आई की वैल्यू क्या होगी, 2 माइनस अल्फा क्यूब, करते 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 कहां तक जाना है, 2 माइनस अल्फा टू द पावर एन माइनस 1. अब ये टर्म्स हमने देखे हैं, 2 माइनस अल्फा, 2 माइनस अल्फा स्क्वायर, 2 माइनस अल्फा क्यूब, ये हमें पता है, देखे हुए हैं. ये शायद एनएस रूट्स ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं. These are n roots of unity. We know that x to the power n minus 1 equal to 0 ke solutions jo hai, has solutions which are what? 1 alpha, alpha square till what? Alpha to the power n minus 1. Which implies we have talked about identity. X to the power n minus 1 kaise likha tha humne? X minus 1 into x minus alpha into x minus alpha square karte 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 kya likha humne? X to the power alpha to the power n minus 1. ये बात clear है? Is it clear? Is it clear everyone? हाँ भैया. Right? Please unmute yourself. I don't know why you're not unmuting yourself. Please unmute yourself. है ना, मतलब जबरदस्ती, मतलब क्या कर रहे हो? Why are you not unmuting? I should see people unmute. Right? Please unmute yourself. And there should not be any background noise also. Please unmute yourself. Make sure that there is no background noise. Right. Why are you not unmute? Now, Ujjwal, Vishant, Chahak, Aryan, Daksh, these are people. Why are you not unmute? I will start to sing out basically. There is no way. Or I will close my class. Leave it. I will take the class. Let me not take the class itself. I will record a YouTube video. I'll record a YouTube video. Khatam. Tum dekh lena apne hisab se. Let me just end the class. There is no point. समझ नहीं आ रही कहानी. व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइव क्लास इफ इट, इफ वी नो डोंट मेक इट लाइव. ये क्लियर है सबको? x to the power n minus 1 - yes sir. राइट, नाउ नाउ व्हाट डू वी विल पुट, विल पुट x = 2. राइट, वी हैव टू पुट x = 2. सो पुट x = 2 अगर हम करेंगे तो ये 2 टू द पावर n - 1 = 2 - 1 into 2 - alpha, 2 - alpha square, करते 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 2 माइनस अल्फा टू द पावर एन माइनस 1 आएगा. तो ये 2 माइनस अल्फा के टर्म्स तो आ रहे हैं, 2 माइनस अल्फा स्क्वायर का टर्म आ रहा है, 2 माइनस अल्फा क्यूब का टर्म आ रहा है, पर ये टर्म हमें चाहिए मल्टीप्लिकेशन नहीं चाहिए, इस बारी एडिशन, इस बारी डिनोमिनेटर में चाहिए और सम में चाहिए, समेशन में चाहिए. तो यानी करना तो कुछ ऐसा सा ही है, पर इसके आगे भी कुछ करना है ना, मतलब यू हैव टू गो इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर दैट वी आर गोइंग फाइन बिकॉज़ दिस इज द ओनली वे टू गेट दीस फैक्टर्स. But we don't want these factors in numerator, multiplication and numerator. We want it in denominator and in summation form. ये बात समझ आ रही है? Are you able to feel this? Yes, sir. अब अगर ये चीज समझ आ गई है तो ये आज से within 6 months और 1 साल तक ये obvious होगी कहानी है कि denominator में कैसे चीजों को लेकर जाते हैं और sum में कैसे लेकर जाते हैं. So what we do is it's a very standard technique. We take a log and then we differentiate. It's a very standard technique. हम पहले क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं और फिर क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट. विल जस्ट ट्राई एंड ट्राई एज नोट. राइट, सो इफ यू हैव y इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, देन दैट इन बाय डिफॉल्ट दिस इंप्लाइज ln y इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी इट इज इक्वल टू a b c, देन ln y इज इक्वल टू log a प्लस log b प्लस log c, log a प्लस log b प्लस log c. ये बात समझ आ रही है? Right, and then if I talk about differentiating ln x, d by dx of ln x, right? E to the power x. Yeah. Huh? Nahin, it is 1 by x. 1 upon x. 1 upon x. Ye baat samajh aa rahi hai? Right, or you can say d of ln x, it is equal to 1 by x into dx. Or you can say d of ln of something is equal to 1 by that something into infinitesimal small differentiation of that something. Samajh aa rahi hai baat? Haan bhaiya. Right? Yeah. So I'm saying d of any function, d of ya log likh lo, or d of log
differentiation of log of anything, it is 1 by anything into d of that something. तो इस पूरे को differentiate करने का मतलब क्या है? Log के अंदर के part का reciprocal कर लो और फिर अंदर के part को differentiate कर दो. Is it clear? Which implies example? Yes, sir. If sometime I'll give you d of log of x square plus x, ये दे दूँगा मैं अगर. So now you know how to solve this. That is equal to what? 1 by अंदर का part into d of what? X square plus x. ये feeling आ रही है? Picture. And then you know how to solve this v of this. So how will you solve this? This is 1 upon x square plus x. इसको सॉल्व करेंगे इस d of x square plus d of x. Clear है? Yes, sir. तो जब तक हमें differentiation obvious नहीं है, तब तक मैं इसको मर मर के तोड़ तोड़ के कर रहा हूँ. I could have done it directly. What is this? What is d of x square? 2x. 2x d. 2x d. So this will be 2x into d of x. Clear है? है ना? Plus what? dx. तो ये क्या आ गया? 1 upon x square plus x. Into 2x plus 1 into dx. I could have done it, done it directly. Differentiate this 2x plus 1 plus 2x plus 1 into dx. Directly this is the first. And what have I done? Why have I written 2x dx? इनको ये समझ नहीं आ रहा. I've used d of something to the power n is equal to n times of something to the power n minus 1. Put this n down, reduce the power by 1, and differentiate under ka part. समझ आ रही है बात? हाँ भैया. लॉजिक क्लियर है? यू हैव टू फील द पिक्चर्स. तो दैट्स व्हाई जब तुम्हें d by dx दिया होता है ना, वो ऑलरेडी dx नीचे दिया होता है x टू द पावर n, तो वो dx dx कट जाता है. तो यहां पे क्या कर रहे हो? तो n into x टू द पावर n minus 1 into dx लिखते हो ऊपर से, और नीचे भी क्या होता है? dx तो कट जाता है. एंड देन यू गेट n into x टू द पावर n minus 1. और वी कॉल इट इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. एक्सक्यूज मी सर. हां सर, ये हमने बाहर से dx क्यों लिखा है? मतलब थोड़ा ये समझा देंगे सर? इसी स्टेप में सर, इसी स्टेप में नीचे यहाँ पर? नहीं सर, इससे नीचे अभी जो आपने लिखा है उसी स्टेप में यहाँ पर. हाँ यस सर. क्योंकि ये क्या है? दिस इज d ऑफ dx को या तो ऐसे सोच लो कि डायरेक्टली आंसर लिखना है, या इसको सोच लो दिस इज d ऑफ x टू द पावर n बाय dx. ऐसे सोचो इसको. नॉट इज d ऑफ x टू द पावर n nx टू द पावर n n into x टू द पावर n minus 1 into डिफरेंशिएटिंग अंदर वाला पिक्चर. D of something to the power n, इसका differentiation क्या है? Power को नीचे लेकर जाना है. Something has to be raised to the power एक कम, एक बन कम. And then into differentiation of अंदर का part. अच्छा ठीक है, तो फिर वो कट गया इसीलिए हमने वो. हाँ, तो into d of x करना पड़ेगा ना अंदर का part. Yes sir. और upon dx करो, तो ये dx कट गए. नहीं कट दे सर. Okay sir. Logic समझ आ रहा है? क्लियर है कैसे घुसते हैं हम? तो ये पूरा कंबाइंड पार्ट है. तो इसके अंदर घुसने के लिए हमने क्या करा? एन को नीचे लेकर आओ, एक्स टू द पावर एन माइनस वन करो, दिस टू द पावर एन माइनस वन करो, और फिर अंदर घुसो, इसको डिफरेंशिएट करो. ये बिल्कुल स्टैंडर्ड चेन रूल वगैरह से आता है बेसिकली, है ना? तो यहाँ भी इसको डिफरेंशिएट कैसे करा हमने? कि हमने कहा पहले अंदर वाले पार्ट को वो इसको एक छोटा वेरिएबल मान के डिफरेंशिएट कर दो. इट इज 1 बाय एक्स इनटू डी ऑफ अंदर का पार्ट. लॉजिक क्लियर है? अब हमें डिनोमिनेटर में डालना है. Back to the question. और सम लेना है. समझ आ रही है बात? Denominator में डालना है, क्या करना है? सम लेना है. अब अगर मेरे पास y equal to, now if I have, अभी थ्योरी हमें बहुत obvious होगी आज से 6-7 महीने बाद. अभी लेकिन हम टाइम लगा रहे हैं. Y is equal to this. Right, so what is this? Y is, yeah, now it is. So there was some break anyway. So y is equal to a plus b plus c है. तो ln y क्या करा हमने? ln y is equal to what? ln a plus ln b plus ln c आ रहा है. Now if I differentiate both sides, तो differentiation भी same होगा दोनों side का, अगर दोनों side same है तो. ये बात समझ आ रही है? So what is this? This is 1 by y into dy. ये feeling आ रही है? 1 by y into dy. इसकी बात करो ये क्या होगा? इस d of ln a, ये क्या होगा? 1 by a into da.
ये क्या होगा db 1 by b into db, ये होगा 1 by c into dc. ये फीलिंग आ रही है? ये फीलिंग आ रही है? हां बढ़िया. हां भैया ये सारे ही इन टर्म्स ऑफ x होते है ना, तो दिक्कत नहीं होती. अगर मेरे पास होता y is equal to x into x minus 1 into x minus 2 होता है ना, और इसमें फिर इसका लॉग लेता, ln y क्या हो जाता, ln x plus ln x minus 1 plus ln x minus 2. Now they are all functions of x. Now I am saying differentiate them with respect to x. D by dx of ln y karna hai. What samajh aa rahi hai? Is it clear? Haan bhaiya. Right, so this is equal to what? Ye kya hoga? D by dx of ln x plus D by dx of what? X minus 1 plus D by dx of x minus 2. तो ये क्या हो जाएगा? This is equal to 1 by x into dx. ये फील कर पा रहे हो इसको? इसलिए 1 by x into dx. Differentiate करोगे तो it is 1 by x d का d करोगे तो ये d operations पे लगता है तो क्या आता है 1 by x into dx. तो नीचे क्या बचा होगा? 1 by dx. अब ये clear है, dx dx cancel out हो जाएगा. लॉजिक समझ आ रहा है? हां भैया. हां भैया, डी ऑपरेशंस पे लगता है तो यू गेट 1 बाय x इनटू dx. ऐसे डी ऑपरेशंस पे लगेगा तो क्या आएगा? 1 बाय x माइनस 1 इनटू d ऑफ x माइनस 1. लॉजिक समझ आ रहा है? ऐसे ये डी ऑपरेशंस पे लगेगा तो क्या आएगा? 1 अपॉन x माइनस 2 इनटू d ऑफ x माइनस 2. ये फील कर पा रहे हो? Is it understandable? Yes sir. अब हम कह रहे हैं क्या है? 1 by x plus, इसको further solve करते हैं, ये 1 by dx into 1 by x minus 1. Now what is this value? This is nothing but dx. dx. क्योंकि d of x तो dx लिखोगे, d of 1 zero होता है ना, यहाँ बात करोगे तो 1 upon d of x into 1 by x minus 2 into what क्या है ये? dx. dx तो कट जाएगा ना. मैं इसको directly लिखने वाला था. I would have written it directly. But just to show you how it has come, I'm just writing it like this. ये बात समझ आ रही है? हाँ भैया. ये बात समझ आ रही है? तो मैं directly लिखता ना, मैं तो differentiate with respect to x कर रहा हूँ. मैं बोलता 1 by x into dx होगा, ये 1 by x minus 1 into d of x minus 1 होगा, dx के बराबर ही होगा. ये 1 by x into 1 by x minus 2 into dx minus 2 होगा, dx के बराबर होगा. तो if I'm differentiating with respect to x only, तो 1 by x plus 1 by x minus 1 plus 1 by x minus 2 directly लिखता हूँ. मैं directly लिखता हूँ. If it is differentiated with respect to x, I have to directly written as 1 by x plus 1 by x minus 1 plus 1 by x minus 2. Right? Let's come back to our question now. What was the question? The question was this. The question hai na, to wapas aate hain, humne kaha tha ji, now x to the power n minus 1 is equal to x minus 1 into x minus alpha into x minus alpha square till x minus alpha to the power n minus 1. Now I need these terms in what? Denominator. And I need some form. तो अब एकदम obvious होगा. ये जी take log. If you'll take log, you'll get ln x minus 1 in plus ln x minus alpha plus ln x minus alpha square plus ln x minus alpha to the power n minus 1. तो actually मैं ना मतलब मैं अगले साल से topic पढ़ाऊंगा ही नहीं. मैं topic सीधा 12th में पढ़ाऊंगा. क्योंकि अभी 11th में complex numbers करने का कोई फायदा तो है नहीं. स्कूल वूल में ऐसे क्वेश्चन आने वाले ही नहीं. स्कूल में सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं, रूट निकाल लो है ना, कंपेयर कर लो, वो घटिया क्वेश्चन तुम खुद से कर लोगे बाय डिफॉल्ट. राइट, सो वी शुड एक्चुअली डू दिस टॉपिक इन 12th, बट 12th में ऑलरेडी सिलेबस इतना सारा होता है, वी डोंट वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन 12th. दिस टॉपिक शुड बी डन इन 12th ओनली. वो 12th में करते हैं, 2 मिनट, 2 कड़े क्वेश्चन था ये. दिस शुड हैव बीन एक्चुअली अ 30 सेकंड क्वेश्चन. यू टेक लॉग, डिफरेंशिएट एंड खत्म. यू डिफरेंशिएट दिस, राइट? तो डिफरेंशिएट कर तो क्या आएगा ये? डिफरेंशिएटिंग, so differentiating with respect to x. So next year we'll not do this in 11th, we'll do this in 12th. Right, so kya ho gaya ji? 1 upon x to power n minus 1 into n into x to power n minus 1. Right, 1 upon x to power n minus 1. ye andar wale part ko niche lekar aaye, into differentiate kisko kara hoga? Andar wale part ko, usko bhi main ek saath hi kar raha hu. This is n into x to the power n minus 1 x to the power n minus 1,
और माइनस जीरो हुआ होगा, उसको हमने लिखा ही नहीं, इनटू साथ में क्या लिखा है dx dx, समझ आ रही है बात, dx छोड़ दिया, दोनों साइड एक dx dx आने वाला है, ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन अंदर वाला पार्ट इनटू d ऑफ अंदर वाला पार्ट, वो dx ही होगा, प्लस 1 अपॉन x माइनस अल्फा इनटू d ऑफ x माइनस अल्फा, वो dx ही होगा, ये समझ आ रही है बात, हमारे d ऑफ x माइनस अल्फा, तो वो सब जगह यहां पे dx आ रहा है, प्लस 1 अपॉन x माइनस अल्फा स्क्वायर इनटू d ऑफ x माइनस अल्फा स्क्वायर व्हिच इज dx, प्लस 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 1 अपॉन x टू द पावर अल्फा टू द पावर n माइनस 1, ये 2 के लिखा हुआ है इनटू d, ये समझ आ रही है बात, ये क्लियर है, यहां पे सब जगह dx आ रहा है, ये बात समझ आ रही है, सब जगह dx आ रहा है, यस सर, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट, इज इट क्लियर, और वो dx माइनस 0 है, तो बस ये आ गया, यानी दैट इज x n इनटू x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x to the power n minus 1, that is equal to 1 upon x minus 1 plus 1 upon x minus alpha plus 1 upon x minus alpha square plus 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 1 upon x minus alpha to the power n minus 1. Can we say this also is identity in x? Yes. Implies true for any value of x, whether real or complex. समझ आ रही है बात सबको? अब यहाँ पे क्या पुट करना है? तुम बताइए तो, ये तो इंसान में छात्र होता है। पुट व्हाट? x इक्वल टू वन। वन पुट करना है? टू पुट ये टू डालना है। x डालना पड़ेगा। टू डालना है ना, ये एक्सप्रेशन चाहिए था हमें। भैया कहीं से एको हो रही है आपकी आवाज? हाँ तो प्लीज प्लीज पुट योर पुट दैट प्लीज शट डाउन योर माइक इन केस यू आर एबल टू फिगर आउट जहां से भी एको हो रही है। I want as many people to be unmute as possible. Try to be responsible, right? Matlab, the speed reduces down like anything if you don't respond. So this is n into 2 to the power n minus 1. Aur fir to dekho na, koi fayda nahi hai. To wo to aram se YouTube pe dekho, twice speed pe dekhna, main video record kar deta hu, kya pareshani hai. Par waise kaam ho pa raha hota na, to puri duniya waise prepare kar pa rahi hoti. Wo jab tak wo ek dusre ki ka chehra nahi dikhta, hai na, wo haana nahi hoti. खुद से डाउट पूछने का मन करता है, दूसरा पूछने लगता है चलो मेरा काम हो गया जी, हमारे लिए मजदूरी किसी और ने कर दी, ये ऐसी कहानियां नहीं होती हैं तब तक वो मतलब फील ही नहीं आती है। हां भैया राइट, आई कीप ऑन थिंकिंग ऑफ दैट, आई विल डू योगा बाय मायसेल्फ और आई विल गेट इनटू सम फिटनेस रेजिम बाय मायसेल्फ, वो एक दिन होता है, दूसरे दिन फिर दोबारा ठंडन गोपाल, वो मुझे पता है मुझे कुछ ना कुछ ज्वाइन करना पड़ेगा, राइट, कंटेंट तो सारा सारा है क्या, एक्सरसाइज तो हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है, एब्स की एक्सरसाइज करनी है, क्रंचेस करने हैं, खत्म, पुशअप्स करने हैं, वही नहीं पता योग आसन में बैठना है, तो वो जब तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करोगे तब तक वो ग्रुप की एनर्जी मिलेगी नहीं, दैट्स द होल पॉइंट, राइट, सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी इंटरैक्ट विद ईच अदर, कीप ऑन इंटरैक्टिंग, सो दिस 2 माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा स्क्वायर रेगुलरिटी के लिए वो साथ में करना बहुत जरूरी होता है, ये आ गया हमारा वो सिग्मा, सो दैट इंप्लाइज सिग्मा 1 अपॉन 2 माइनस अल्फा टू द पावर आई वेयर आई गोज फ्रॉम 1 टू n माइनस 1, that is equal to n to the power 2n minus 2 to the power n minus 1 2 to the power n minus 1 minus of 1 upon 1 ho gaya na ye, right, so this is equal to n into 2 to the power n minus 1 minus 2 to the power n plus 1 upon 2 to the power n minus 1, right, so I can take out 2 common from this, so the n minus 2 into 2 to the power n minus 1 plus 1 upon 2 to the power n minus 1, this is your answer, आई थिंक ये बी से मैच कर रहा होगा, या इट इज मैचिंग विद बी, ये माइनस वन नहीं है, सी होगा फिर आंसर, नहीं सी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, इसमें माइनस वन नहीं है तो इसका माइनस वन लगा दो यहाँ पे, राइट दिस करेक्ट दिस, यस लिख दो, राइट, क्लियर है क्या करा है इसमें, कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, या जी घोर कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है लाइफ में, पता नहीं क्या है इन जगह, हां भैया, हां भैया वो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है तो हर जगह dx अपॉन नहीं आएगा क्या, हर जगह dx अपॉन में भी आएगा ना, आपने वो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करा, हां भैया वो ऊपर dx नहीं आएगा, बेसिकली
वो dx आएगा नहीं एक्चुअली कट जाएगा dx नहीं होगा dx होगा नहीं यू आर राइट ये 1 / dx यहां पर भी होगा और इस पूरे के साथ ही 1 / dx होगा हां जी भाई यस यू आर राइट तो कट जाएगा ये भी सारे कट जाएंगे इज इट क्लियर और अगर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x नहीं भी होता तो भी कट जाते दैट वाज द पॉइंट क्लियर है ये बात सबको हां भी राइट सो दीस आर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन nth रूट्स ऑफ यूनिटी यू नो ये कर लो चलो अभी ये सिंपल सा क्वेश्चन है ना वन सेकंड क्वेश्चन सर इस वाले में एक डाउट था बोलो बोलो सर आपने जब इसमें y is equal to x into x minus 1 into x minus 2 को डिफरेंशिएट किया था तो आपने फिर अभी कुछ लोग इसको करो इसको सॉल्व करो इतने अल्टरनेटिव राउट यहां पे y is equal to iota to the power iota है iota to the power iota की वैल्यू निकालनी है हां बताओ तो सर आपने इसमें फिर dx कैसे लिया था मुझे समझ नहीं आ रहा जब आपने y is equal to x into x minus 1 into x minus 2 को किया था यहां पर हां हां यहां पर क्या ले लिया था फिर आप इसको dx कैसे ला रहे थे नीचे मुझे ये समझ नहीं आ रहा कहां पर बताओ ये मैंने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया था ना हां हां डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया था हां वो तो समझ में आ गया लेकिन फिर नीचे सेकंड स्टेप में जो सेकंड टर्म आपने लिखी है ये उसके बाद उसके जस्ट बाद वाली ये हां इसमें dx कैसे आया ये समझ नहीं आ मेरे को कि व्हाट इज d ऑफ x - 1 इट इज इक्वल टू dx - d d * 1 व्हाट इज d कांस्टेंट 0 0 तो dx हो गया ना अच्छा मतलब वो हमने मल्टीप्लाई किया अंदर अरे d को ऐसे कहते हैं d ऑफ a + b क्या होता है da + db da + db तुमने पढ़ा तो है ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है हां हां ठीक है ठीक है अप्लाई करें ऐसे d ऑफ x - 2 क्या होगा dx - d d * 2 d 2 ओके d ऑफ x * d ऑफ 2 व्हाट इज d ऑफ कांस्टेंट 0 0 तो dx - 0 हो जाएगा ये dx हो गया ठीक है सर समझ गया क्लियर है यस सर राइट आगे बढ़ते हैं लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन राइट नाउ वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ आयोटा टू द पावर आयोटा इज यू नो पागल हो गए हैं है ना इमेजिनरी टू द पावर इमेजिनरी समझ रहे हो मैथ्स वालों का पागल है ना और मजे की बात जितने आंसर है वो सारे रियल इमेजिनरी टू द पावर इमेजिनरी गिव्स यू रियल ये है मैथ्स इमेजिनरी टू द पावर इमेजिनरी is giving you real ise muh sad jayega kuch logo ka ye kya mazak ho raha hai daant nikal do bade bade bhaiya none of these bhi right none of these bhi hai none of these answer nahi na main rat ke aaya hu bhaiya dekho isko kaise kar rahe hain now this is you put iota as niche wala iota as e to the power iota pi / 2 likh sakte ho because iota is here so it is and modulus of iota is what 1 तो आयोटा कैन बी रिटन एज व्हाट e टू द पावर आयोटा पाई बाय 2 एंड अब हमने लगाया एक्सपोनेंट सो इट इज आयोटा टू द पावर पाई बाय 2 इनटू आयोटा इट इज e टू द पावर आयोटा स्क्वायर पाई बाय 2 समझ रहे हो हां व्हाट इज दिस e टू द पावर माइनस पाई बाय 2 माइनस आयोटा माइनस पाई बाय 2 लो जी हैप्पी बर्थडे हो गया इमेजिनरी टू द पावर इमेजिनरी इज रियल एंड इट इज एनी रियल अरे एक आंसर थोड़ी है इनफाइनाइट आंसर्स हैं बिकॉज़ इट इज इमेजिनरी टू द पावर इमेजिनरी वाई जी कुछ लोग आएंगे एक मिनट रुको जरा कोने में आना वाई जी वाई कांट आई राइट दिस इज 2 पाई + पाई / 2 कि जी सिर्फ आपकी खेती थोड़ी चलेगी हमारी खेती भी तो हमारे भी तो खेत हैं दिस 2 पाई + पाई / 2 सो व्हाट इज दिस दिस इज e टू द पावर आयोटा स्क्वायर और वी कैन से - 5 पाई / 2 है ना अब कुछ लोग बोलेंगे जी हमारे भी खेत हैं आयोटा 4 पाई / + पाई / 2 ये फीलिंग आ रही है तो क्या हो गया जी e टू द पावर माइनस 9 पाई / 2 यू कैन टेक नेगेटिव वैल्यूज यू नो इट इज e टू द पावर माइनस ये आयोटा माइनस 4 पाई + पाई / 2 देयर ऑल आयोटास देयर ऑल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयोटास तो क्या हो गया e टू द पावर आयोटा स्क्वायर * व्हाट माइनस 8 पाई माइनस 7 पाई बाय 2 तो ये क्या होगा e टू द पावर 7 पाई बाय 2 हो गया ये बात समझ आ रही है यस सो दिस इज इनफाइनाइट वैल्यूज बिकॉज़ इट इज इमेजिनरी टू पावर इमेजिनरी ऑब्वियसली यू कैन इमेजिन एनीथिंग हां इमेजिनरी वर्ल्ड तो ये किस लिए क्या लिखा हुआ है वन ऑफ द रियल वन ऑफ द वैल्यूज
वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ एटिस प्रायोरिटाइज व्हाट, तो वो निकल गई तुक्के से, पहले जो हमने सोची e टू द पावर माइनस पाई बाय 2 राइट। तो इसको फील करने की कोशिश मत करना कि इसकी फीलिंग क्या होगी, पर जितने की फीलिंग दे रहे हो उतने की तो ले लो पहले राइट। जिसकी फीलिंग नहीं समझ आई तो फील ले लो पहले है ना, कि क्वेश्चन होते नहीं इन्हें फीलिंग चाहिए जी। ये लो, दिस इज अगेन मतलब नॉट अ स्लेप इन सिलेबस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, बट छोटा मोटा क्वेश्चन टाइप आ जाए। इजेड दे दिया मॉडलेस आर्गुमेंट फॉर्म में, तो जेड इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन टू यू, यू कैन राइट द क्वेश्चन, इट्स अ वन लाइन क्वेश्चन। तो जेड इज इक्वल टू आर इनटू ई टू द पावर आयोटा थीटा, मॉडलेस आर्गुमेंट फॉर्म दे दी, एंड यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई टू द पावर आयोटा जेड। दिस काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस आर नॉट इन आवर सिलेबस राइट, सो कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज नॉट इन आवर सिलेबस है ना, तो वो बिल्कुल नहीं है ना, क्या कहते हैं, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर सिलेबस में राइट, ना उनके डेरिवेटिव सिलेबस में। सो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो नीदर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस नॉर देयर डेरिवेटिव्स आर इन आवर सिलेबस है ना। कोटा में पूरी क्लास चलती होगी एक महीना जी कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स, फर्स्ट ईयर लेवल की मैथ चलती है बेसिकली है ना, कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ाना होता है जो समझ ना आए है ना, तभी तो कुछ कहानी होगी। यू हैव बीन काइंड ऑफ गिवन अ फंक्शन व्हिच इज एफ जेड, तो कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाएगा तो इस काइंड ऑफ एन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, बट आसान है इसलिए आ जाएगा, तो छोटा छुटपुट क्वेश्चन आएगा, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। यू हैव बीन गिवन अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, दिस काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई टू द पावर आयोटा जेड, दैट्स व्हाट यू हैव टू फिगर आउट। क्लियर है बात? एंड जेड इज गिवन एज व्हाट, r into e to the power iota theta. Now don't try to be, you know, ki ji let us play, yehi to hai question, r into e to the power iota theta ye ban raha hai na, something to the power something to the power something hai na, to please hai na, ye this is not a good thought, fir ye khade khade ghur rahe hain kya kare, kisi isko aur nahi uthana, isko latae rakhna hai, ye baat samajh aa rahi hai, isko latae rakhna hai, to best tarika hai use trigonometric form राइट, और यू यूज दैट एल्जेब्रिक फॉर्म और वी कॉल्ड इट एज कोऑर्डिनेट फॉर्म, बस समझ आ रही है, बेटर एक्सप्रेस जेड एज व्हाट, यू कैन राइट दिस एज आर इनटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, समझ आ रही है बात? सो दिस विल बिकम इक्वल टू व्हाट, आर कॉस थीटा, ये समझ आ रही है, यू कैन कॉल दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म right, or you can also call this as this is similar to algebraic form, samajh aa rahi hai baat, ye kyun use ko kar rahe hain, okay ab z ko replace kar denge na yahan par, so what is fz, what is fz, fz is equal to modulus of e to the power iota r cos theta plus iota sin theta, samajh aa rahi hai baat? Yes sir, right, and now it is easy, now this question is very much doable, this is e to the power iota square is minus 1, to minus r sin theta hai na plus iota r cos theta, ye aa gaya, we can break this up now, so what do we get, e to the power minus r sin theta into e to the power iota r cos theta, clear hai, ab ye complex number ban gaya, this is the modulus and this is the orientation and this is the argument, ये बात समझ आ रही है? तो सीधा पूछा इसका मॉड्यूलस क्या है, ऑब्वियसली अभी तो बताया इसका मॉड्यूलस ये है, e to the power minus r sin theta, समझ आ रही है बात? तुम ऐसे नहीं करना, तुम्हें लॉजिक नहीं लगाना, तुम दोबारा मैथ्स लगा लो, यू कैन ब्रेक दिस अप, यू कैन राइट दिस एज e to the power minus r sin theta into e to the power iota r cos theta, ऐसे लिख दिया राइट, और ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, e to the power anything is positive value. So this is equal to e to the power minus r sin theta into 1. Iska modulus to 1 hi hai.
This cos theta plus iota sin theta. This is cos of something plus iota sine of that something. That modulus by default is 1. So bhi aa jayega answer same. Clear hai kya kar raha hai? Somebody has a doubt. Yes, kya doubt hai isme? Sir, ek baar fir se wo samjha denge jo aap e likh rahe the modulus aur orientation aur cheez. Ye? Haan, ek baar cheez samjha. Complex number hai, feeling aa rahi hai? Hmm. Complex number kya hota hai? It has some modulus into e to the power iota theta. Does this have iota in it? Nahi sir. ये मत करना साइन में जो आई है वो आयोटा है नहीं 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 सर पता है ये क्लियर है देयर इज नो आयोटा कि जी आई उखाड़ के बाहर लगा दो s into i into n है ना तो ये रियल वैल्यू है यस सर और ये पॉजिटिव वैल्यू है राइट तो ये मॉडुलस हो गया सर और इसमें आयोटा आ रहा है हां तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया आयोटा थीटा टाइप फीलिंग हो गई है ये ये पूरा आर्गुमेंट हो गया हां यानी ये पूरा ओरिएंटेशन फैक्टर हो गया ठीक है समझ गया बात क्लियर है पंगे लेने शुरू हो गए स्कूल में कि तेरे को पता है इसका आंसर निकाल mod z into e to the power iota argument of z ka mod what is the answer prove it is mod z khatam hai na chhod di log ne sin chhod ke common se bhar gaye kuch log to arts mein chale gaye hai na kuch log home science mein chale gaye is sweater bunenge hum ye clear hai ye ajeeb si kahani ho rahi hai ye logo tang karne ke liye ye kaisi drawing hai ajeeb si right ajeeb kahani ho rahi hai राइट तो ये पंगे लेने मतलब दिस इज इंटरेस्टिंग टॉपिक लोगों से पंगे लेने हो तुमसे कोई उल्टे सीधे सवाल पूछे तो उसके लिए हमारे पे बहुत मसाला है कि जा जाओ कोने में कि हम बताते हैं क्वेश्चन भैया पिछले क्वेश्चन डाउट था तो बताओ भैया आप एक बार फिर से बता देंगे e raised to i r cos theta 1 कैसे हुआ क्या भैया e raised to i iota r cos theta 1 कैसे हुआ ना ये क्या है कॉस आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन आर साइन थीटा अगेन स्कूल के बच्चों के लिए इसका मॉड ओके ठीक है भैया अंदर से आवाज आ गई अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर समथिंग प्लस साइन स्क्वायर समथिंग व्हिच इज 1 हां भैया ठीक है जी आगे चलते हैं लेट्स मूव फर्दर So these were the questions we have done. I think all the questions from question number 4. So question number 4 to 11, right? In fact, question number 4 to 10 were questions based on, you know, question 4 to 10 were questions based on, what we say, cube roots of, sorry, nth roots of infinity. So question number 4 to 10 जो हमने करे हैं, या summary कहीं और लिख लेते हैं, है ना summary की बात करें, तो question number 4 to 10 which I have done. There were questions based on nth roots of unity. Right? Question number 11 and 12. There were kind of questions based on complex function. Is it clear? Now I'm doing a couple of questions based on, you know, abhi kar lete hain. They're based on cube roots of unity. So there's a question based on cube root of unity. Right? So you have 1 omega omega square. Now chalo, ab wapas aage. Back to dharti. Hai na? Nth root se wapas aage ji, cube roots of unity. Right? Now then for alpha, beta, gamma, delta, you can write the question quickly if you have written or you can just leave space. You have to find the value of this expression. So you have to find the value of the expression. Hai na, kuch expression de rakha hai y. is equal to alpha plus beta omega plus gamma omega square plus delta omega square upon beta plus alpha omega square plus gamma omega aise question ka answer 1 ya 0 hota hai by default aise bata raha hu main hai na to aur 1 hi option hai to answer a hoga by default hai na ji to ye iska expression nikalna hai cut hai na ji ye lo paste Let's try and find the solution of this. ये निकालना है। तो कुछ नहीं करना ऊपर नीचे को सेम बनाना है तो
ऊपर क्या दे रखा है ओमेगा स्क्वायर, अल्फा के साथ ओमेगा स्क्वायर है तो बस खत्म, किसी एक को देख लो काम हो जाता है। तो ऊपर को किससे मल्टीप्लाई कर दो ओमेगा स्क्वायर से, राइट। सो व्हाट आई डू इज आई मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर एंड डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, और इसको ले जाओ अंदर मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। तो क्या हो जाएगा, विल हैव अल्फा ओमेगा स्क्वायर प्लस बीटा ओमेगा क्यूब, वो तो ओमेगा होता है वन हो गया, प्लस गामा ओमेगा टू द पावर फोर विच इज गामा ओमेगा, प्लस डेल्टा ओमेगा टू द पावर फोर। डेल्टा ओमेगा टू द पावर फोर क्या होगा, डेल्टा ओमेगा, डेल्टा ओमेगा अपॉन क्या है ये बीटा प्लस अल्फा ओमेगा स्क्वायर। अभी ये तो समझ आ गए, घटिया क्वेश्चन है ये, दिस इज अ 10 सेकंड क्वेश्चन, ये कट गया, ये काटने वाला काम हम करेंगे, कुछ तो हम भी करेंगे। हां भैया है ना, देखो देखो आपने बोला था ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा 1 या 0 होता है और आंसर ओमेगा आ गया, कितनी गलत बात है, आप ढंग से रट के नहीं आए आप। हां भैया है ना जी, चल ठीक है, ये ओमेगा आंसर हो गया जी, राइट। So these are questions based on cube root of infinity. Let's do another question. Simple questions based on cube root of infinity. Let's talk about this. So n is a positive integer, but not a multiple of 3. So this will be also based on cube root of infinity. Let's talk about this question. Right. राइट, तो z इज इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट थ्री लिखा हुआ है, आयोटा रूट थ्री होगा, z इज इक्वल टू माइनस वन प्लस आयोटा रूट थ्री, दैट्स गिवन। सो n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ थ्री, दैट्स गिवन, इट्स अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ थ्री, राइट एनर्जी, एंड z इज इक्वल टू माइनस वन प्लस आयोटा रूट थ्री, ये दे रखा है, तो ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो z तुम्हें क्या दे रखा है, माइनस वन प्लस आयोटा रूट थ्री, तो ये समझ आ रहा है 2 ओमेगा है, ये क्लियर है, इट इज 2 ओमेगा। हां भैया, ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 बाय 2, ये देखते समझ आ गया, 2 ओमेगा दे रखा है तुम्हें, इज इट क्लियर। हां भैया, तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी है, ये z टू द पावर 2n, z टू द पावर 2n प्लस 2 टू द पावर n इनटू z टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर 2n, ये दिस इज एक्सप्रेशन यू हैव टू फिगर आउट, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, तो z की वैल्यू क्या है, 2 ओमेगा, सो इट इज 2 ओमेगा टू द पावर 2n प्लस 2 टू द पावर n इनटू 2 ओमेगा टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर 2n, so this expression becomes 2 to the power 2n into omega to the power 2n plus 2 to the power 2n over ab into omega to the power n plus 2 to the power 2n, so this value comes out to be 2 to the power 2n into omega to the power 2n plus omega to the power n plus 1, is it clear? Now what is given, n is not a multiple of 3, so n is not a multiple of 3 ka matlab kya hai, n is either 3k plus 1 or n is equal to 3k plus 2, because n is not a multiple of 3k. Feeling aa rahi hai? Haan bhaiya, k belongs to integers, k can be integers, k can be any value, bas ye put karna tha. So whenever something is given not a multiple of something, iska matlab baaki sari values leni hai. Not a multiple of 4 ka matlab kya hoga, 4k plus 1, 4k plus 2, 4k plus 3, teen values aayengi, is it clear? So it is not complex numbers only which we are actually doing. We are doing a lot of other logical structures. We are also developing in our head. So just put करना है, पहले put कर लो case one. ये case one ले लो, ये case two ले लो. ये दोनों में answer zero आ रहा होगा और क्या आ रहा होगा? Check कर लेते हैं case one. और कुछ कहानी होती नहीं है. ना तो case one. So let's call it as fz. So this is fz. So fz is equal to 2 to the power 2n. Into what? Omega to the power what? 3k plus 1 ka square. So this is in fact what? 6k plus 2 plus omega to the power 3k plus 1 plus 1. Toh kitna ho gaya? 2 to the power 2n into ye kitna hai? Omega to the power 6k is 1 ho gaya.
तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया और यहाँ से क्या मिला, ओमेगा प्लस वन, लो जी टू टू पार्ट टू वन इन टू जीरो, दैट इज व्हाट जीरो, इज इट क्लियर? ओके इज टू case 2 fz is equal to 2 to the power 2n, 2n ko likh raha hu main, yahan bhi 3k plus 1 likh deta basically, koi fark nahi padta basically, 2 to the power 2n into n ki value kya likhni hai humne, 3k plus 2, to kya ho jayega 6k plus 4 ho jayega, omega to the power 6k plus 4 plus omega to the power 3k plus 2 plus 1, so this value is 2 to the power 2n into e kya ho jayega ओमेगा, ओमेगा टू पावर 6k इनटू ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा, राइट, एंड दिस इज व्हाट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, अगेन दिस इज 2 टू द पावर n इनटू 0 व्हिच इज इक्वल टू 0, खत्म बात, क्लियर है बात सबको, क्लियर है कहानी, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं भी, राइट, इनफैक्ट यू कैन ट्राई एंड रिमेंबर दिस फॉर फ्यूचर, यू कैन ट्राई एंड रिमेंबर दिस बाय डिफॉल्ट ना, कि ओमेगा टू द पावर 3n विल बी इक्वल टू ओमेगा माइनस 1 ओमेगा टू द पावर n माइनस 1 इनटू ओमेगा टू द पावर 2n प्लस ओमेगा टू द पावर n प्लस 1, ये कहां से आ रहा है, अगेन वही जीपी से आ रहा है, अभी सब जीपी से आ रहा है, कि x क्यूब माइनस y क्यूब इट इज इक्वल टू x माइनस y इनटू व्हाट x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, अब ये समझ आ रहा है, फार्मूला भी जीपी से आया हुआ है, ये फैक्टराइजेशन फार्मूला है पुराने वाला, ये भी जीपी से आया हुआ है, कि x क्यूब माइनस y क्यूब के नीचे क्या ले गए x माइनस y, फिर एक कॉमन ले लिया और वो सम ऑफ जीपी था, वो याद आ रहा है? हां भैया, राइट, तो इसके अंदर मैं क्या पुट करा, पुट x इज इक्वल टू ओमेगा टू द पावर n एंड y इक्वल टू 1, तो ये ऊपर वाली कहानी आ जाएगी ना, इज इट क्लियर? हां भैया, और वी कैन से दैट 1 plus omega to the power n plus omega to the power 2n, it is equal to 1 minus omega to the power 3n upon 1 minus omega. Right? So it is 1 minus omega to the power n to the power 3. 3 terms hai iske andar. That's how it is. Is it clear? Right? And this value will be equal to 0 if n is not a multiple of 3k. And this value will be equal to 3 if n is a multiple of 3k. समझ आ रहा होगा कि अगर n 3k का मल्टीपल है तो ये भी 3k है, ये भी ओमेगा क्यूब टाइप हो जाएगा, ये भी 3k है तो ये भी ओमेगा क्यूब टाइप हो जाएगा, दोनों तीनों से क्या मिलेगा 1 मिलेगा, लॉजिक क्लियर है? हां भैया, तो 1 प्लस ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n इज इक्वल टू 3k, अगर n 3k है तो ये आंसर 3 है, एल्स द आंसर इज 0, इज इट क्लियर? ये डायरेक्टली आंसर था बेसिकली, इट इज नॉट भैया वो डिनोमिनेटर में, हां भैया वो डिनोमिनेटर में ओमेगा टू द पावर एन होगा ना, यस बिल्कुल, इज इट क्लियर? राइट, दैट्स व्हाट इट इज, तो यू कैन ट्राई एंड रिमेंबर दिस फॉर फ्यूचर, है ना जी, तो ये क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी पे क्वेश्चन हो गया, देन वी मूव ऑन टू यू नो क्या कहते हैं सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रूविंग अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वी कैन ट्राई जस्ट राइट इट, क्वेश्चन नंबर 15, right, well, let's do two parts of this, right, so the question is prove that, I don't have this typed, I'll write it, prove that mod of z1 plus z2 square plus z1 minus z2 square is equal to twice of mod of z1 square plus z2 square, and you have to remember this, inside of pichle chapter pichle lal kal ki class ke end mein jo summary banayi thi usme isme likh lena isko, I think you can very easily prove this, prove to ho hi raha hoga, samajh hi aa raha hoga logo ko, कि मॉड को हटाना है, कैसे हटाओगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके,
राइट सो जस्ट प्रूव दिस जल्दी से करो जान के एक्स्ट्रा फालतू लिखा है मैंने जस्ट फॉर योर बेटर फीलिंग्स क्या हो गया जी अब ये हो गया मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू स्क्वायर प्लस जेड वन जेड टू कॉन्जुगेट प्लस जेड वन कॉन्जुगेट जेड टू ये आ गया प्लस यहाँ से आएगा मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू स्क्वायर प्लस और माइनस जेड वन जेड टू कॉन्जुगेट माइनस जेड वन कॉन्जुगेट जेड टू इफ यू अंडरस्टूड दिस विल कैंसिल आउट विद दिस एंड दिस विल कैंसिल आउट विद दिस खत्म सो इट इज अ वेरी इजी थिंग इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर इज इट क्लियर क्लियर है बात राइट इफ यू अंडरस्टूड दिस वी कैन टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस Let's call it as 15B, not greatly typed. I'll write it again, not a problem. Right, so what you have to do is you have to prove this. So what do you have to prove? So isko thoda tamiz se likh lete hain. So you have to prove half of half of ये bracket भी तमीज़ नहीं लगाए हुए हैं half of z1 plus z2 right नहीं bracket ठीक लगाए हुए हैं ना so it is given z1 plus z2 by 2 plus root z1 z2 plus z1 plus z2 by 2 minus root z1 z2 right iski value nikalni prove nahi answer nikalna right this answer will come out to be mod z1 plus mod z2 check kar lete hain right how do we do this right the idea is you have to figure out if you can make something kind of a square in this इसमें क्या स्क्वायर वाली टाइप कुछ फॉर्म बन रही है सोचने की कोशिश करते हैं है ना वी हैव टू यूज दिस क्या यूज करना है ए प्लस बी प्लस टू रूट ए बी इट इज इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर ट्राई करो इसको ट्राई दिस क्वेश्चन Right, so root a plus b plus twice root of ab. That's what you have to figure out. Attempt this. Thank you.
जिन लोग हो गया एंड आई विल गिव अनदर क्वेश्चन अटेम्प्ट दैट टिल द टाइम आई विल राइट द सॉल्यूशन फॉर दिस अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन यू कैन सी द ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड लेट्स अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन तो अगेन दिस इज अ प्रीटी सिंपल क्वेश्चन इफ यू हैव गॉट द आईडिया इट इज अ प्रीटी सिंपल क्वेश्चन कुछ है इसके अंदर This is what Z1 by 2 plus Z2 by 2 plus twice of under root of Z1 by 2 ye Z1 by 2 plus Z2 by 2 ye feeling aa rahi hai right ye clear hai sabko plus what Z1 by 2 plus Z2 by 2 minus twice of under root of Z1 by 2 into Z2 by 2. तो ये Z1 by 2 का square root का square है, ये भी root का square है. And that's how you will do this. तो क्या हो गया? This is what? Root of Z1 by 2 plus Z2 by 2 का स्क्वायर राइट यू नो प्लस रूट ऑफ Z1 बाय 2 माइनस Z2 बाय 2 का स्क्वायर ये क्लियर है बात सबको 2 कॉमन निकाल लेंगे इसमें से हम यू नो 2 कॉमन निकाल लेंगे इसकी फॉर्म बना लेते हैं पहले तो ये क्या बन गया 2 कॉमन निकाल दिया रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ रूट Z1 प्लस रूट Z2 राइट इसका स्क्वायर प्लस और ये हाफ इसमें से कॉमन निकाल लेंगे रूट Z1 माइनस रूट Z2 का स्क्वायर और स्क्वायर बाहर जा सकता है मॉड के इज हाफ ऑफ मॉड ऑफ रूट Z1 प्लस रूट Z2 के मॉड का स्क्वायर प्लस रूट Z1 प्लस रूट माइनस रूट Z2 का स्क्वायर एंड यू डन दिस वैल्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ रूट Z1 का स्क्वायर प्लस mod of root Z2 का स्क्वायर राइट तो 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2 को अंदर बचा दोगे तो इट इज मॉड ऑफ रूट Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ रूट Z2 का स्क्वायर तो ये किसके राउंड हो गई है मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 आई होप इट इज क्लियर क्या करा है कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें Is it clear? हाँ भैया हाँ भैया है ना अब इसको करना है इसमें इसका रिवर्स करा you can even try to remember this you can try to remember this कि this is equal to ये प्रूव करना है you can even remember this है ना try to remember this क्यों कई बार उल्टा करना पड़ सकता है उल्टा कैसे करना पड़ सकता है कि ये दे रखा है एक नंबर और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है एंड यू माइट हैव टू यूज दिस टू गेट द आंसर समझ आ रही है बात तो अब मैं क्या यूज करना चाह रहा हूं आई एम ट्राइंग टू यूज दिस सो व्हाट डू आई हैव टू डू दिस इसको करना है राइट सो आई विल ट्राई टू यूज द अदर वे अराउंड नाउ उसमें कैसे फीलिंग है मैं ये यूज करना चाह रहा हूं ना कैसे कर रहे हैं जी Try to use कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मॉड का सम दे रखा है अगर तो हमें पता है कैसे आगे बढ़ने का एक तरीका है हमारे पास मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 इज इक्वल टू व्हाट इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 बाय 2 प्लस रूट खत्म हो गया राइट प्लस
z1 plus z2 by 2 इधर रखा है माइनस रूट z1 z2. तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे रखे हैं उनको कुछ ना कुछ ऑपरेशन लगाना तो ये लगा सकते हो, है ना. तो अभी तुम्हें क्या दे रखा है z1 minus z1 square minus z2 square, अच्छा plus z2 square. So now what is given to you? z1 plus under root of z1 square minus z2 square plus z1 minus under root of z1 square minus z2 square. This is given to you. Clear है? अब इसको कैसे use कर सकते हो? अभी दो दो complex numbers का mod दे रखा है. So it is equal to this plus this by 2. So this plus this करूंगा तो negative वाला कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2z1, 2z1 by 2 क्या मिलेगा? What will we get? Only z1. Logic clear है कि this plus this by 2, ये बात समझ आ रही है? Plus root of what? This into this. What is this into this? It is z1 square minus iska square kya hoga z1 square minus z2 square. Is it clear? Haan bhaiya, ye feeling aa rahi term aa gaya seedha operation lagaya humne is pe this plus this by 2 kara hai to ye aa gaya right plus root of z1 z2 to this into this karenge to z1 square minus iska square hoga iska square yahan likha hai aise mein plus karte hain this plus this by 2 again to ye z1 aa gaya माइनस रूट ऑफ जेड वन जेड टू माइनस दिस वैल्यू जेड वन स्क्वायर माइनस जेड वन स्क्वायर माइनस जेड टू स्क्वायर इसका मॉड. लेट्स ट्राई राइट दिस. सो दिस इज व्हाट मॉड ऑफ जेड वन प्लस ये क्या जेड वन जेड वन कैंसिल आउट हो गया प्लस जेड टू स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो गया जेड टू हो गया प्लस मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू हो जाएगा. ये आंसर आ गया. इज इट क्लियर? यस सर. क्लियर है कैसे लिख रहे हैं? राइट बट क्या ना ये जरूरी नहीं स्ट्राइक करें, ये थोड़ी याद करते फिरेंगे, क्या सब याद करते फिरेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है. राइट, आई थिंक बेटर वी कैन अगेन ट्राई एंड यूज दैट, है ना, वी कैन ट्राई एंड अगेन ट्राई एंड यूज दिस कि ट्राई एंड यूज ए प्लस बी प्लस रूट ए बी इज इक्वल टू व्हाट. ये वाला काम करने की कोशिश करो, रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर, है ना. यू कैन ट्राई एंड डू दिस, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है. तुम्हें क्या दे रखा है? तुम्हें दे रखा है मॉड ऑफ जेड वन प्लस अंडर रूट ऑफ क्या दे रखा है जेड वन स्क्वायर माइनस जेड टू स्क्वायर, ये दे रखा है ना. यू कैन राइट दिस एज व्हाट मॉड ऑफ जेड वन या चलो साथ साथ करते हैं प्लस मॉड ऑफ जेड वन प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस अंडर रूट ऑफ देखो वी कैन ट्राई एंड यूज दिस. So यहाँ पे क्या करा, ये देखो थोड़ा सा घूर के देखो तो ये दिखेगा तुम्हें z1 वन प्लस जेड टू इंटू जेड वन माइनस जेड टू. तो अगर तुमने इतना इतना सोच लिया तो भी काम हो जाएगा. तो यू गट z1 वन प्लस जेड टू, ये राइट वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, राइट वाले पार्ट में बस माइनस है तो वो बहुत आसानी से विल बी एबल टू मैनेज दिस. राइट जी, अब सोचो इतमान से कि क्या करें इसमें, वॉट डू वी डू, है ना. वी कैन एक्सप्रेस जेड वन एज z1 plus z2 by 2 plus z1 minus z2 by 2. ये काम हमने कुछ ना कुछ सीरीज में भी करा हुआ है. समझ आ गया कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं उनको? What I'm trying to use is, है ना, कि क्या यूज करना चाह रहे हैं. What I'm trying to say is कि we are saying that star is equal to star plus cloud by 2 plus star minus cloud by 2. That's what I'm trying to do. That is the logic you're applying. कुछ दो पार्ट में डिवाइड करा, आधे पार्ट में क्लाउड ऐड कर दिया और आधे पार्ट में क्लाउड सब ऐड कर दिया, तो बात तो सेम रहेगी. स्टार को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, हाफ ऑफ कर दिया और आधे पार्ट में क्लाउड ऐड कर, आधे पार्ट में क्लाउड सब ऐड कर दिया, तो काम बन गया हमारा ऑलमोस्ट. क्यों? बिकॉज नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ जेड वन प्लस जेड टू बाई टू इंटू जेड वन माइनस जेड टू बाई टू. यहां बिल्कुल सेम कहानी हो रही है कि जेड वन प्लस जेड टू बाई टू प्लस जेड वन माइनस जेड टू बाई टू, है ना, प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ दिस होल कॉन. समझ आ रही है बात क्या करा है? ए प्लस बी इंटू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए बी, तो ये हो गया सीधा सीधा आंसर आ गया.
जो माइनस होगा ना राइट वाले में माइनस होगा बिल्कुल बिल्कुल माइनस होगा माइनस ट्वाइस राइट सो आई थिंक माय वीडियो इज नॉट ऑन सो वेट अ मिनट सो दिस तो बेटर ही होता है ज्यादा कंसंट्रेशन होती है वीडियो ऑन नहीं होती तो है ना जी तो चलो सो दिस इज इक्वल टू व्हाट दिस इज इक्वल टू z1 plus z2 by 2 under root of this plus under root of z1 minus z2 by 2 cos square plus mod of under root of z1 plus z2 by 2 minus under root of z1 minus z2 by 2 इसका स्क्वायर और ये वहां से निकाल चुके दिस इज ऑल वी हैव ऑलरेडी फिगर्ड आउट दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट किसके बराबर है ये 2 इनटू z1 plus z2 by 2 हां अभी पिछले को अभी अभी पिछला क्वेश्चन कर रहे देखो ये वाला वैसे ये आंसर निकाल चुके हैं सॉल्व करने की जरूरत नहीं है this by 2 plus this by 2 plus root z1 z2 equal to mod z1 plus mod z2 ये दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा अभी कार में ये अभी तो करें सॉल्व कि this plus this into root of this is equal to mod of this plus mod of this straight forward मतलब we don't need to actually further solve this this is equal to mod of z1 plus z2 by 2 नहीं mod of z1 plus mod of z2 था ना वो क्या था ये रहा था ना अभी अभी तो सॉल्व करा है 15 नहीं होगा 15b this plus this by 2 into root z1 z2 is equal to mod of z1 plus mod of z2 तो ये है it is this plus this by 2 into root of z1 z2 मतलब you don't even write this you don't even write this ये फीलिंग आ रही है कि this is z1 plus 2 plus z2 by 2 plus root of z1 z2 is equal to mod of z1 plus mod of z2 that was the answer the straightforward answer aa gaya yahan se is mod of z1 plus z2 plus mod of z1 minus z2 ye to bhi solve bhi kar raha tha ye solve karke nikalta bhi upar ye raha is it clear kya kar raha hai bhaiya isme 15 a laga sakte hain end mein jo 15 result tha ha fir solve karna padega uske fir solve karo sabse aakhri mein to humne kar hi liya seedha lag jayega kya sabse aakhri mein ye na yahan par हाँ अब इसमें होल स्क्वायर बाहर ले आएंगे मॉड्यूलस के और सीधा लग जाएगा हाँ तो वो यही यही आएगा ना आंसर हाँ यही आ जाएगा आंसर आएगा बिल्कुल सॉल्व करके निकाल लो फिर ये सॉल्व करके निकाल लो वो तो फिर 15 ही लगा रहे हैं बेसिकली हाँ यूजिंग 15 अगर ये याद नहीं रिजल्ट याद नहीं है वो व्हिच इज वेरी हाईली लाइकली कि याद नहीं है 15 ही तो हो जाएगा फिर 15 ही लग जाएगा बिल्कुल तो ये लग जाएगा वो सेम कहानी है कि हाफ कॉमन आ गया यू कैन डू दिस हाफ कॉमन आ गया एंड दैट इज दिस इज इक्वल टू व्हाट root of z1 plus z2 plus root of z1 minus z2 का square plus root of z1 plus z2 minus root of z1 minus z2 का square mod बाहर चला गया फिर a z1 plus z2 का square plus z1 minus z2 का square is equal to what mod of z1 square ये तुम्हारा z1 है और ये वाला नंबर तुम्हारा Z2 है 2 भी आएगा भैया कॉमन में और दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 2 ये 2 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे फिर ये 2 अंदर पहुंच जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा mod Z1 plus Z2 plus mod Z1 minus Z2 ये क्लियर है सो दिस इज वाई ऑफ 15 ए व्हाट इज हैपनिंग Wait a minute. Right, so I just need the cap of the bottle. ये क्लियर है हमने यहाँ पे रिजल्ट कैसे यूज़ करा है कि z1 by 2 plus z2 by 2 plus root z1 z2 is mod z1 plus mod z2 तो ये तुम्हारा z1 था ये z2 था राइट और यू कैन सॉल्व इट फर्दर
और ये क्लियर है, सोचा कैसे है, हाउ यू हैव थॉट अबाउट दिस, ये समझ आ रही है बात, कैसे सोचा है भैया, एक और बता, इसमें कुछ ऐड करा और कुछ सबट्रैक्ट करा, वो आइडिया यहां से लगा, तो z2 ऐड करा z2 सबट्रैक्ट करा, तो आधे पार्ट में 2 करा और आधे पार्ट में z2 / 2 ऐड करा, आधे पार्ट में z2 / 2 सबट्रैक्ट कर दिया, तो वी गॉट दिस एक्सप्रेशन। ये काम बहुत बार करेंगे, स्टार इक्वल टू दिस, ये काम हम ऐसे भी करते हैं ऑड इवन फंक्शन में करते हैं। यू कैन राइट अनदर नोट कि ऑड इवन फंक्शन शायद थोड़ा बहुत देखा हो, तो ऐसे fx कैन बी रिटन एज यू नो f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x / 2 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस x / 2। सो दैट्स अ वे ऑफ ब्रेकिंग एनी फंक्शन इनटू एन ऑड एंड इवन फंक्शन। नाउ दिस इज एन इवन फंक्शन, इवन फंक्शन करा है किसी क्लास में, डिस्कस हुआ है इवन फंक्शन? नो सर। हाँ सर, इन स्ट्रेट लाइंस और क्या कहते हैं सर्कल्स में कहीं पे आया ये फंक्शन की बातें हुई है? इवन नहीं सर। व्हाट इज ऑड फंक्शन? इवन फंक्शन की बात करते हैं, इवन फंक्शन क्या होता है? इवन फंक्शन इज दैट फंक्शन जिसमें इफ इफ g of minus x is same as gx, even function. Example, fx is equal to x square. तो इसमें f of x is also x square and इसके अंदर f of minus x is also equal to what? Minus x square, which is equal to what? Sorry, minus x का whole square, which is equal to x square, which is equal to what? fx. समझ आ रही बात? तो जी नेगेटिव इनपुट डालने पे भी पुराना ही आउटपुट आए तो इवन फंक्शन। और ऑड फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज ऑड फंक्शन? इफ नेगेटिव इनपुट डालने पे ओवरऑल आउटपुट पुराने आउटपुट का नेगेटिव हो जाए। समझ आ रही है बात? जैसे कि एक्स क्यूब, एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इट्स नॉट फंक्शन। इसमें क्या करते हैं जी, इफ वी हैव एफ ऑफ माइनस एक्स, द आंसर इज माइनस एक्स का क्यूब व्हिच इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ये समझ आ रही है बात? इज इट क्लियर? इवन फंक्शन की बात करें, इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, दे आर सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, राइट? और ऑड फंक्शन की बात करें, दिस इज देयर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। सिमेट्री अबाउट ओरिजिन हो गया था ना, सिग्मा एन आई, दिस काइंड ऑफ आई ऑड फंक्शन है ना। इसका कोई और एग्जांपल ले सकते हो, है ना? इसका एग्जांपल और एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसके एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स। तो क्यों जी f of minus x करोगे तो इट इज माइनस कॉस ऑफ माइनस x, एंड कॉस ऑफ माइनस x क्या होगा? कॉस x। यहां बात करो इफ एफ एक्स एफ ऑफ माइनस x की बात करो तो वो क्या है? साइन ऑफ माइनस x, वो क्या है? माइनस साइन x विच इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। और ग्राफ देख लो साइन x का, एक्स क्यू का ग्राफ देख लो, एक्स क्यू का ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है, होता है एक्स क्यूब का ग्राफ, ये है एक्स क्यूब, ये है एक्स, ये है एक्स। साइन एक्स का ग्राफ देख लो, साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है, तो सिमेट्री अबाउट ओरिजिन है। ओरिजिन के बाद सिमेट्री का मतलब क्या है? टेक रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस एंड देन टेक रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, यू विल गेट द सेम कर्व। सिमेट्री अबाउट ओरिजिन का मतलब क्या है कि फर्स्ट टेक रिफ्लेक्शन in x axis one, and number two take reflection in y axis and get the curve. तो एक बार x में reflection लेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, ये feeling आ रही है? और फिर y में reflection लेंगे, या y में ले लो पहले, और vice versa, और vice versa, कुछ भी कर लो, पहले y में ले ली, पहले y में ले ली और फिर किस में ले ली? x में ले ली,
तो ये आ गया, या पहले x में ले ली तो ऐसे करो बनेगा, और फिर y में ले ली, ये बात समझ आ रही है? गेट द अदर हाफ ऑफ द कर्व। तो ये अभी यूज नहीं होगा, ये अगेन फंक्शंस में कैलकुलस जब करोगे तब यूज होगा, राइट? तो ये जनरली क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां पे ये कुछ ना कुछ डिस्कस हो जाता है, इसलिए आई जस्ट थॉट यू माइट हैव डन इट। जैसे यहां पर है, जैसे इस पार्ट की बात करो, इस पार्ट की रिफ्लेक्शन कहां लोगे पहले? कहां लोगे? वाई एक्स। सपोज वाई में, वाई में लोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन एक्स में लोगे तो ये करवा जाएगा। इस पार्ट की रिफ्लेक्शन ले लो पहले, यू कैन टेक रिफ्लेक्शन ऑफ एनी पार्ट, यू कैन ट्राई एंड थिंक अबाउट दिस, राइट? और वाई स्क्वायर तो पता ही है क्या होता है, ये सिमेट्रिक अबाउट है, एक्स एक्सिस है ना, एक्स स्क्वायर कर्व ये वाला होता है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा, सॉरी वाई एक्सिस, गलत बोल रहा हूँ, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है ना, फीलिंग ठीक है वो, जल्दी जल्दी बोलो, कॉस ऐसा कर्व इस टाइप से होता है, चेक कर लेना, कॉस ऐसा कर्व इस टाइप से होता है, ये था कॉस एक्स और ये है एक्स, सो दिस सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, इज इट क्लियर? सो इवन फंक्शन इज सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, ऑड फंक्शन सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। सिमेट्री अबाउट ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि किसी भी पॉइंट से लाइन बनाओ, वो था सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, सिग्मा एन आई 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 है ये, इस पॉइंट से लाइन बनाओ ओरिजिन तक और उतना ही डिस्टेंस मूव करो तो वो सेम सिमेट्रिकल पॉइंट आएगा, दैट वाज सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, याद आ रहा है वो सिग्मा एन आई ऑप्टिकल एक्टिविटी का, याद है ऑप्टिकल एक्टिविटी का सिग्मा एन आई, आई आई वाज सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, पॉइंट लाइन बनाओ वहां तक जाओ उससे आगे जाओगे तो यू हैव सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, एंड द अदर वे टू चेक सिमेट्री अबाउट ओरिजिन इज टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन इन वन एक्सिस एंड देन सेकंड टेक सेकंड रिफ्लेक्शन इन द अदर एक्सिस एंड लुक एट द अदर हाफ ऑफ द कर्व, इज इट क्लियर? यस सर, समझ आ रही है बातें? Yes. अब ये ऑड इवन फंक्शन समझ आ रहा है, इस वाले पार्ट में x को माइनस x से रिप्लेस करो तो ये माइनस x हो जाएगा और ये x हो जाएगा, ओवरऑल ओवरऑल आंसर सेम होगा, ये समझ आ रही है बात? यस सर। सो इफ आई टेक दिस फंक्शन एज एच एक्स एंड आई टेक दिस फंक्शन एज कुछ भी पी एक्स, तो कैन आई से एच ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज एच एक्स, implies even function, and can I say p of minus x will be minus of px, check kar lo, implies odd function, logic samajh aa raha hai? Are you able to think in abstract manner? Ye gayab hona shuru ho gaya ji, clear hai kahani? Yes sir, right? Ha bhaiya, hai na ji, let's take a break of, you know, let's continue again at 6:45. I'll do another, you know, 15-20 questions depending upon how much you respond. And because you don't respond, I'm by default very slow. In the break, you should try and attempt this question. So this is, I'm doing it in a question form. Not, this is not actually a question. It's part of a theory. So question is, show that e to the power iota theta minus 1 upon e to the power iota theta plus 1 is equal to iota tan theta by 2. So this is a very important result which you have to remember. How you will do this? मैं ऐसे बता रहा हूँ, cos theta plus iota sin theta लिखोगे इसको, minus one upon cos theta minus iota sin theta लिखोगे, sorry plus iota sin theta plus one. Now you'll break this up as what? Cos theta minus one. अब formula revise करने कोशिश करना, cos theta minus one का क्या formula होगा? Iota sin theta का, and this is cos theta plus one, iota sin theta sin theta. So you can write sin theta as 2 sin theta by 2 cos theta by 2, and you can write this also as 2 sin square theta by 2 negative, and this 2 cos square theta by 2. Common common loge answer aa jayega. Try and do this. Right, let's have a break. Let's continue at 6:45. So we'll continue at 6:45. I'll do another 10-15 questions. We'll based on we'll talk about geometry. You know, we'll try to move on to geometry. A bit of geometry. We'll talk about locus questions. So let's continue at 6:45. If I get time, I'll also talk about triangle inequality. Right. So try and attempt this question. Let's continue. Yeah, third class bhi hogi is chapter ki. Matlab, I'll either record a video or I'll take a class. Don't worry. Right? Chalo, abhi isko karo. So let's continue at 6:45.
हाँ तो ये हो गया, नहीं हुआ, ये प्रूव हो गया। हाँ वाई प्रूव। हाँ भैया हो गया। यस सर हो गया, हो गया भैया। दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी सिंपल। दिस इज माइनस टू कॉस स्क्वायर टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू प्लस आयोटा टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू प्लस आयोटा टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू। दैट्स व्हाट इज राइट। सो यू विल टू तो टू तो कट जाएगा है ना, यहाँ से आ जाएगा कॉमन साइन थीटा बाय टू है ना, और साइन थीटा बाय टू है तो मैं इसको क्या कहते हैं, वी कैन ट्राई एंड टेक आयोटा ऑल्सो कॉमन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कॉस थीटा बाय टू वो हो अलग से हो, तो ये आयोटा लिख रहा हूँ मैं इसको, और यहाँ पर आ जाएगा मतलब टू भी लिख लो चाहे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग, टू टू तो कैंसिल हो ही जाएंगे बट टू भी लिख सकते हो। टू आयोटा साइन थीटा बाय टू कॉमन ले लिया मैंने, तो ये आ गया कॉस थीटा बाय टू राइट, और टू साइन थीटा बाय टू ले लिया बाहर, और आयोटा लेना है तो यहाँ पे आयोटा डाल दो ताकि आयोटा स्क्वायर माइनस वन बन जाए राइट। ये बन गया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में टू यहाँ भी ले लो टू आयोटा साइन नहीं कॉस कॉमन आएगा ना यहाँ पर, तो कॉस कॉमन आएगा तो टू कॉस ही लो बस, टू कॉस थीटा बाय टू, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा बाय टू प्लस आयोटा साइन थीटा बाय टू राइट। ये दोनों कट गए, प्रिटी सिंपल राइट, टू टू कट गए, तो ये क्या आ गया आयोटा टैन थीटा बाय टू राइट। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सो व्हाट इज द रिजल्ट, ई टू द पावर आयोटा थीटा माइनस वन अपॉन e to the power iota theta plus 1 is equal to iota tan theta by 2 right. This is very very important result, so you can remember it any which ways you want to remember, you have to remember this directly use jayega hai na, matlab multiple forms ho jayengi ki e to the power iota theta plus 1 upon e to the power iota theta minus 1 will be equal to what, minus iota cot theta by 2 aa jayega राइट right. तो ये ऐसे हर फॉर्म को याद नहीं करना, किसी एक फॉर्म को याद कर लो, तो मैंने ऊपर वाली फॉर्म को याद करा हुआ इससे, तो ये रिवर्स का रेसिप्रोकल ले लिया मैंने बेसिकली, रेसिप्रोकल लोगे तो 1 बाय आयोटा इज माइनस आयोटा और टेन को उल्टा क्या होगा कॉट, दैट्स हाउ इट इज कम अप राइट। सो यू कैन रिमेंबर इट एनी वे यू वांट टू रिमेंबर, समबडी माइट गिव यू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर आयोटा थीटा upon 1 plus e to the power iota theta, that is a pretty clear, it is minus iota tan theta by 2 chal rahi kahani hai na, e to the power iota theta se divide kar do dono ko, kuch log aise aa jayenge e to the power iota theta se divide kar do 1 minus e to the power minus iota theta, to samajh aaye sari form same hai sab divided by, to ye bhi ho gaya iota tan theta by 2 right, so I've divided both sides by e to the power iota theta, तो ये जैसे मर्जी कर लो permutation combination, ये एक important result है which you have to remember right, so this is very very important, please remember this right, so wait a minute, ठीक है जी, let's talk about a question based on this, no जी इसकी बात कर लेते हैं। Yes, so this is a straightforward question based on this. Let's talk about this. Question number 18. Circles हमने करा नहीं है अभी, else this would have been even more easy. छोड़ो. जल्दी जल्दी खत्म करेंगे. So if z is a point on Argand's plane, such that mod of z minus 1, mod of z minus 1 equal to 1. है ना, एंड जेड माइनस टू इज इक्वल बाय जेड इज इक्वल टू, ये वैल्यू निकालनी है, तो यू हैव बीन गिवन मॉड ऑफ जेड माइनस वन इज इक्वल टू वन, इज एक्चुअली इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है ना, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मतलब जस्ट एज नोट, यू कैन जस्ट लीव स्पेस फॉर द क्वेश्चन,
राइट, इसकी वैल्यूज भी देखेंगे मेरे पास, आई हैव द वैल्यूज, इट इज टैन, ऑप्शंस बता रखे हैं, जेड माइनस टू बाय टू इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ, टैन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अच्छा cot argument of z iota times tan argument of z and d is none of these. is given to you. ठीक है जी, अब यहां पर अगर देखोगे तो as a note, एज ए नोट की अगर हम बात करें तो क्या कहते हैं, इफ वी रिमेंबर व्हाट इज, इफ आई से एक्स माइनस टू इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ एक्स माइनस टू फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ एक्स माइनस टू फ्रॉम ओरिजिन, और यू कैन टॉक अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड टू, राइट, वो एक्चुअली जो मॉड एक्स होता है वो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस जीरो होता है. And now that's how we say it is distance of x from 0. समझ आ रही है बात? Similarly, अगर हम बात करें यहां पर mod of x minus 2, इसका मतलब क्या होगा? It is distance of x from what? 2. From 2. बात समझ आ रही है? Now, if somebody says that, you know, mod of z minus z naught is equal to r, it's actually equation of a circle. It actually represents equation of a circle. We'll discuss in detail in 12th. Or you can join me in the next week's class, which will happen in 12th, supposedly. You know, or you can see the videos later on. I can give you the videos. If you don't have to do it before, not a problem. अगले साल तो मैं 11th में ग्रांड नहीं वाला इस टॉपिक को, वी आर डन, वी विल डिस्कस इन 12th ओनली, 11th 11th में जितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स स्कूल में आते हैं वो तो ऑलरेडी आते हैं. दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, राइट, हाउ इज इट इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, व्हाट इज द फीलिंग ऑफ दिस, दिस इज व्हाट इट इज डिस्टेंस ऑफ z नॉट, सॉरी डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम व्हाट, z नॉट फ्रॉम पॉइंट z नॉट, ये पास में आ रही है, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट, and that constant value is equal to what, r, ki z is moving, it is moving such that its distance from z naught is what, constant, that is equal to r, so this actually is center of the circle, so it is complex equation of a circle, circle to kar liya hai mere khayal se, ha bhaiya, ha bhaiya, right, so actually cartesian form mein ja sakte hain par abhi we will not waste time, so this is the locus of z, it is locus of z, which is nothing but circle, and what we are trying to say is that z ka distance from the complex number z naught, that value is r, that distance value is r, so by default iski equation aati, this is equation of a circle actually, par abhi hum circle wagal kuch nahi use karenge, hum bilkul number ki tarah soch ke karenge isko, baad mein kya circle, this is equation of a circle, clear hai baat, राइट, प्रॉब्ली अ ईयर डाउन द लाइन विल टॉक अबाउट इक्वेशन ऑफ लाइन, कॉम्प्लेक्स लूप्स की बातें करेंगे हम, अभी कुछ नहीं कर रहे, राइट, और नेक्स्ट वीक इन वीडियोस, ठीक है जी, ये चल रही कहानी, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट दिस, नाउ इट सेज, व्हाट इज द क्वेश्चन, द क्वेश्चन सेज मॉड ऑफ जेड माइनस वन इक्वल टू वन, इट सेज मॉड ऑफ जेड माइनस वन इज इक्वल टू वन, ये बात समझ आ रही है, ठीक है, तब सर्कल वर्क छोड़ दो, साइड सर्कल है जी 1,0 पे और रेडियस 1 है, वो नहीं सोच रहे हम, किस सर्कल सेंटर्ड है 1,0 विद रेडियस 1, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट दिस, ठीक है, इट सिंपली सेज दैट मॉड ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू 1, इट्स अ मैथमेटिकल इक्वेशन गिवन टू यू, नाउ इट सेज z माइनस 2 बाय z की वैल्यू निकालनी है, तो अब अगर मॉड ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो कैन आई से दैट
you know, this is e to the power iota 2k pi. One sort of modulus ki baat ho rahi hai, number ki baat nahi ho rahi. Agar iska modulus 1 hai, sorry. So can I say this implies z minus 1 is of the form e to the power iota theta. Why? Because modulus of z minus 1 has to be equal to what? 1. 1. You feeling aa rahi hai? You feeling aa rahi hai ki I can write it z minus 1 as this form because iska modulus kya hai? Is complex number ka modulus 1 hai. 1 e to the power iota theta hi hoga iska matlab bas orientation format hoga kyunki modulus 1 hai. If you have understood this, now you have to find what? Now z minus 2 by z will be equal to e to the power. अब z z की वैल्यू क्या होगी? That implies यहाँ से निकाल लेते हैं. यहाँ से that implies what is the form of z? 1 plus e to the power iota theta. ये बात क्लियर है? Z किस फॉर्मेट का आ गया? It has to be of the form of 1 plus e to the power iota theta. Right? Now what is z minus 2 by z? Is 1 plus e to the power iota theta minus 2 upon 1 plus e to the power iota theta. है ना? ये क्या हो गया? देख लो. E to the power iota theta minus 1 upon e to the power iota theta plus 1. अभी तो करा ही है. अभी करा ही है. ये क्या है? Tan theta by 2. Iota tan theta by 2. Tan theta by 2. खत्म हो गया एकदम. समझ आ रही बात? Is it clear? So this value state for iota tan theta. It is a 30 second, not even 30 second question. Right? है ना? और अभी क्या बन गया? This is equal to iota times of tan. ये theta क्या है? Theta is argument of z minus 1. So it is argument of z minus 1 by 2. Yeh answer ho gaya tumhara? It is iota times argument of z minus 1 ka argument hai ye. Theta jo hai by 2. But I think it is not matching with any of the answers. Hai na, to none of these. Ek minute ruk jao. Argument of z mein khel rahe hai ye. Ek bar argument of z nikal ke dekhe. Z दे रखा है, मैं Z दे रखा है, ये रहा Z दे रखा है. Let's try to play with Z. कि Z is equal to 1 plus e to the power iota theta. It is 1 plus cos theta plus iota sine theta. It can be written as 2 cos square theta by 2 plus iota 2 sine theta by 2 cos theta by 2. Trigonometry यादें वापस आ रही हैं. So this is equal to 2 cos theta by 2 into cos theta by 2 plus iota sine theta by 2. So z comes out to be equal to 1 plus e to the power iota theta. It is of the form 2 cos theta by 2 into e to the power iota theta by 2. You feeling aa rahi hai? So can I say this is modulus of z? Ye baat samajh aa rahi hai? Yes sir. Ye baat samajh aa rahi hai? This is modulus of z. And this becomes what? Argument. तो theta by 2 coincidentally किसका argument आ गया? Z का argument आ गया. So this can also be written as iota tan argument of Z. Feeling आ रही है? तो कैसे काम बन गया? तो argument of Z आ गया. तो ये कोई formula नहीं है कि argument of Z minus 1 divided by 2 is argument of Z. Please. Is it clear? It is just a coincidence that this theta by 2 has come out to be equal to what? Argument of Z. It is just a coincidence in this question. Clear hai kya kar rahe hain? Haan bhaiya. Right? Aur ye question bahut clear cut nahi hai. Kyon? Kyunki zarur nahi hai value hamesha positive ho. Samjho baat ko. Cos theta ki value theta by 2 ke liye zaruri nahi hamesha positive ho. Abhi kar raha tha ek aisa question. Agar ye value negative hogi तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? एक माइनस साइन. इस पर आयोटा पाई को इसमें ऐड करना पड़ेगा. तो फिर आर्गुमेंट क्या हो जाएगा इसका? पाई प्लस आयोटा पाई प्लस थीटा बाय टू हो जाएगा इसका आर्गुमेंट. ये बात समझ आ रही है? हाँ. वो बात अलग है. कुछ दे नहीं रखा क्वेश्चन में तो मान लिया बस. मान लो जी, छोड़ो ना, इतना सोचते नहीं. केमिस्ट्री अब केमिस्ट्री निकल रहा है मुझे कि छोड़ो, मैथ्स वालों ने ज्यादा सोचा नहीं है ना जी. छोड़ो बस, मॉड को इसको पॉजिटिव मान लो. तो ये बहुत क्लियर कट, इट इज नॉट अ क्लियरली डिफाइंड क्वेश्चन. It should have been mentioned that this value is within that range of cos, जहाँ पे cos positive होता है, minus pi by 2 to pi by 2, उसमें cos positive होता है. समझ आ रही है बात?
ये बात क्लियर है? यस सर। तो हम फजी लेवल में मान रहे हैं कि चलो छोड़ो इतना सोचते नहीं है, खत्म, बस आंसर तो लिखो, कुछ ना कुछ दे रखा है, आउटर रहना, आर्गुमेंट ऑफ रेट दे रखा है, मार्क मार्क करना, खत्म, सोचते नहीं है। इज इट क्लियर? बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट दिस विल ऑलवेज बी द आंसर। इफ दिस बिकम्स नेगेटिव, वी माइट हैव टू पुट अ नेगेटिव हियर। यू नीड टू रिमेंबर दिस, राइट? लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन, अनदर सिमिलर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। ये देख लेते हैं, बट दिस आर दीस एक्चुअली क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, एक्चुअली वी शुड बी डूइंग इट इन 12th. Then I'm emotional. I want to do them without geometry. No, so, chalo, kar lete hain. So, ji. So, z minus 1 to the power n is equal to iota times z plus 1 to the power n. R plotted on Argand's diagram or Argand's plane. Right? Argand diagram, diagram, Argand plane. They are on a parabola. Toh aata hi nahi, toh ho hi nahi sakta. They are conslike, shayad hi ho jaye. Conslike, shayad pata hai. They are on a circle. कोलिनियर वर्टिसेस और ट्रायंगल, तो ये तो पैराबोला तो हो सकता है, अभी करा रहे हैं, पैराबोला तो आता ही है हमें, राइट? पैराबोला वैसे आता है हमें, y y = x² होता है, पर करोगे पैराबोला इक्वेशन y² = 4x की बातें करोगे, यू विल टॉक अबाउट द फोकस ऑफ पैराबोला, यू विल टॉक अबाउट द दैट एनी रे व्हिच पासस थ्रू फोकस एंड हिट्स द पैराबोला, इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट हो गया है सर? लिक्विड्स चैप्टर में थोड़ी बहुत हुई थी पैराबोला की बात। लाइट हो गया है? लाइट ऑप्टिकल ऑप्टिक्स नहीं हुआ ना? चलो कोई नहीं तो करेंगे फ्यूचर में करेंगे, राइट? तो पैराबोला आंसर है नहीं ऑब्वियसली, लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो अगेन दिस इज नॉट एन इजी क्वेश्चन टू डू एट फर्स्ट इंस्टेंस, यू हैव टू रिमेंबर द सॉल्यूशंस, यू हैव टू रिमेंबर व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव डन सो दैट यू कैन अप्लाई द सेम थ्योरी अगेन। व्हाट इज गिवन टू यू? यू हैव बीन गिवन z प्लेन माइनस 1 टू द पावर n इज इक्वल टू iota टाइम्स ऑफ z प्लस 1 टू द पावर n, ठीक है जी? इसको इसका लोकस निकालना एक तरह से, अगर सोचते हैं this implies z minus 1 by z plus 1 to the power n is equal to iota, e to the iota idhar rakha hai, and iota is what? E to the power iota pi by 2 plus 2k pi, right? To solution nikal gaya iske, that implies z minus 1 upon z plus 1 that is equal to e to the power iota 2k pi, right? या इसको इसको ऐसे लिख लो, दिस विल बिकम इक्वल टू 4k प्लस 1 पाई बाय 2n हो जाएगा। मेरे k गोस फ्रॉम व्हाट, 0 1 2 टिल व्हाट, टिल n माइनस 1। ये क्लियर है बात सबको? हां भैया, हां भैया। सो दिस इज व्हाट यू हैव डन, इज इट क्लियर? हां भैया, राइट? तो 4k प्लस 1 पाई बाय 2n हो गया ये, अभी 4k प्लस 1 पाई बाय 2n हो गया, ये सॉल्यूशंस आ गए इसके। अच्छा अब इसमें कंपोनेंट डिविडेंड ले लो, है ना? मैं e टू द पावर आयोटा थीटा माइनस 1 करना चाहता हूं, तो मैं इसको लिख रहा हूं z माइनस 1 माइनस z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 प्लस z प्लस 1 विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू, क्या e टू द पावर आयोटा 4k पाई 4k प्लस 1 पाई बाय 2n माइनस वन अपॉन ई टू द पावर आयोटा 4k प्लस 1 पाई बाय 2n प्लस 1। क्लियर है क्यों करा है? आई हैव डन कंपोनेंट डिविडेंड, सो व्हाट आई हैव डन इज n बाय d इज इक्वल टू, कैन बी रिटन एज व्हाट, n माइनस d अपॉन n प्लस d, एंड यू कैन प्रूव दिस, यू कैन टेक दिस वैल्यू एज k, रेशियोज की बात हो रही है, छठी सातवीं का टॉपिक है ये, टेक दिस इज इक्वल टू k एंड देन यू कैन ट्राई एंड प्रूव दिस, दोनों बातें सेम आएंगी। आ भी रहा है, नहीं आ रहा, एक मिनट देख लें। नहीं, एक मिनट रुक जाओ, क्या कर रहा हूँ मैं, गलत लिख रहा हूँ, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू राइट इज n बाय d इज इक्वल टू x बाय y, अगर है एंड दिस इंप्लाइज n प्लस d बाय n माइनस d इज इक्वल टू x प्लस y अपॉन x माइनस y, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, एंड यू कैन जस्ट टेक दिस वैल्यू इज इक्वल टू k एंड देन ट्राई एंड प्रूव द बिलो इक्वालिटी, उसको पुट करके देख लेना, आ जाएगा आंसर, right? You can do any kind of, you can do n plus d upon d minus n, ye jo kya ho jayega, x plus y upon y minus x, jaisi marzi jo transformation upar kar rahe ho, wahi transformation niche kar rahe ho, wahi transformation right side mein kar rahe ho, ye kaam karna hai, right? Is it clear what you have done here, right? To ye left wala term kya ho gaya, zz cancel out ho gaya, kya ho gaya, minus 2 upon what, 2z is equal to, can I say this is iota tan of 4k plus 1 pi by 2.